सेक्शन 115 BAC, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जिसमें अब हम लोग आ चुके हैं। ये जो हमारी टैक्स रेट की सीरीज है, टैक्स रेट्स या फिर टैक्स कॉम्प्यूटेशन की सीरीज कह लो आप इसको, या फिर इसके अंदर टैक्स कॉम्प्यूटेशन और टैक्स रेट की सीरीज के अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल टैक्सेशन का जो डिस्कशन स्टार्ट किया, उस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज से आपका स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही कहा था कि आज जो लेक्चर आपको मिलेगा इसका नाम हम लोग चेंज करेंगे, इसको कहेंगे सेक्शन 115 BAC लेक्चर 1, और इसी नाम से ये यूट्यूब पे भी आएगा, राइट। बट ये टैक्स रेट की जो सीरीज है इसमें हम लोग आखिरी हिस्से में है, क्लास के अंदर पीछे काफी सारी डिस्कशन हो रखी है आपके साथ। ऐसा नहीं समझना है आपको जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं कि भाई टैक्स रेट का ये पहला लेक्चर है, नहीं, टैक्स रेट के लेक्चर्स खत्म होने वाले हैं, सेक्शन 115 BAC का लेक्चर 1 है, ठीक है। क्लास में काफी सारा डिस्कशन पीछे से चला आ रहा है टैक्स कॉम्प्यूटेशन को लेके, चाहे वो कंपनी का टैक्सेशन हो, चाहे वो सोसाइटी का टैक्सेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल का टैक्सेशन हो, जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है उन सबको हम लोग यहां यूज करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, और इसी के साथ सेक्शन 115 BAC का जो ये टैक्सेशन का स्कीम है ये हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये जो टैक्स कॉम्प्यूटेशन और टैक्स रेट की सीरीज है इसका लेक्चर 1 से कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस का लिंक दे रखे हैं, सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो नोट्स इसमें रेफर हो रहे हैं वो भी उसका गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या नहीं है, ये लेक्चर ये सीरीज मल्टीपर्पज है, सभी को काम आने वाली है। सर क्लास जो शेड्यूल्ड है वो तो हम लोग जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो नोट्स हैं, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड हो रही है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का जो बैच हमारे यहाँ चल रहा है उसके लिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बट ये जो सेक्शन है 115 BAC पहली बार इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं। सर ये सिलेबस इंटरमीडिएट का भी है, ये सिलेबस फाइनल का भी है, ये सिलेबस CA CMA CS हर तरह के प्रोफेशनल कोर्स में ये सेक्शन ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर छोड़ो हटाओ आपको टैक्सेबल इनकम हो रही है और आप अपनी टैक्सेबिलिटी जानना चाहते हैं कि सेक्शन 115 BAC में क्या होगा, तो भी ये क्लास यूजफुल है, मल्टीपर्पज। सर ऐसा नहीं है कि सेक्शन 115 BAC आप पहली बार क्लास में सुन रहे हैं, काफी बार इसका रेफरेंस आया, काफी बार आया, और अब हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 रेफर हो रहा है, ध्यान रखना, क्लास के अंदर अभी जो मैं पढ़ाऊंगा 115 BAC सेक्शन 115 BAC एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023, सबसे पहली बार ये सेक्शन हमारे एक्ट में आया फाइनेंस एक्ट 2020 में, 20, उसके बाद हर साल कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस हुए इसमें, ना के बराबर चेंजेस, लेकिन इस साल फाइनेंस एक्ट 2023, प्रीवियस ईयर 23-24, जिस समय मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, हम प्रीवियस ईयर 23-24 में हैं, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब ये यूट्यूब पे आएगी, ये अमेंडेड बाय सेक्शन 115 BAC अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023 रेलिवेंट फॉर 2024 प्रोफेशनल एग्जाम्स, अगर हम CA CMA CS की बात करें तो, अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये परफेक्टली रेलिवेंट है, 2025 में है तो फिर इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो बजट और फाइनेंस एक्ट 2024 वाली जो अभी आई नहीं है आज के दिन, राइट। सर अभी तक इस सेक्शन में थोड़े थोड़े से ही चेंजेस हो रहे थे, ना के बराबर, लेकिन इस साल फाइनेंस एक्ट 2023 में असेसमेंट ईयर 24-25 24-25 जिन बच्चों का एग्जाम 2024 में है या आगे, काफी सारे चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं इसमें। जो नोट्स है मेरा PDF फॉर्म में, उसमें मैंने चेंजेस को हाईलाइट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल,
अभी तक ये ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के नाम से जाना जाता था, ऑप्शनल स्कीम के नाम से जाना जाता था, बट अब करंट ईयर में, करंट ईयर का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 2023-24 सर, इसको डिफॉल्ट स्कीम बना दिया गया, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, यानी अगर आप इस स्कीम से बाहर निकलते हैं तो ठीक, वरना इस स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और क्लास में क्या बात हुई कि आप इस स्कीम से बाहर निकलेंगे तो आप कहां चले जाएंगे, नॉर्मल प्रोविजंस में, जहां पर हम लोग 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख की बात करते हैं, एज के हिसाब से स्लैब रेट चेंज हो जाता है, जहां पर हम लोग बात करते हैं सरचार्ज के 4 लेवल की, 10%, 15%, 25%, 37%। अब यहां पर 3 ही लेवल है, जहां पर हम रिबेट की बात करते हैं 5 लाख की नॉर्मल स्कीम में, जब इससे बाहर निकल जाते हैं सर, जब इससे बाहर निकलते हैं तब इसमें रिबेट का एक नया लेवल है, 7 लाख का लेवल, जो कि आपके सामने रखने जा रहा हूं। सर जो चेंजेस आए हैं वो मैंने यहां हाईलाइट कर रखे हैं अपने नोट्स में, जैसे कि इसको ऑप्शनल से डिफॉल्ट कर दिया गया, थोड़ा सा नाम में चेंज, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया गया। पिछले साल तक ये सिर्फ 2 लोगों पे एप्लीकेबल था, इंडिविजुअल HUF, अब ये 5 लोगों पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, जिसमें AOP में सोसाइटी नहीं आएगी। क्लास में आपको बताया हुआ है कि सोसाइटी के लिए पहले से ही सेक्शन है ऐसा मिलता जुलता, 115 BAD, और वहां एक नया सेक्शन और आया है 115 BAE। ये सारी बातें क्लास के अंदर हो रखी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश किया, डिस्कशन AMT का डिस्कशन, सेक्शन 115 JC, और पिछले 6-7 क्लासेस में हम लोगों ने काफी डिटेल्ड डिस्कशन कर लिया है टैक्स कॉम्पिटिशन का, सरचार्ज का, मार्जिनल रिलीफ का, सेस का, रिबेट का, स्पेशल रेट्स, कैपिटल गेन स्पेशल रेट्स, कैजुअल इनकम, विनिंग ऑनलाइन गेम्स, अनडिस्क्लोज इनकम, स्पेशल रेट्स हो तो टैक्स कैसे कॉम्प्यूट करना है, मार्जिनल रिलीफ कैसे लेना है सरचार्ज पे, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैपिटल गेन की स्पेशल रेट वाली इनकम रही तो रिबेट कैसे लेंगे, TDS के प्रोविजंस, उसके एडजस्टमेंट्स, काफी कुछ क्लास में सीख चुके हैं। जो भी सीखा है आपको, क्या बोला पिछली 2 क्लासेस में, सब रिवाइज करो, काम आने वाला है। सर पिछली 2 क्लास में आपको खूब सारे टास्क भी दिए हैं क्लास के अंदर, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। सर इस वीडियो का फायदा सब उठाओ, जो भी बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, रिकॉर्ड किसको ध्यान में रख के की जा रही है, हमारे इंटरमीडिएट के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के, लेकिन इसमें हर वो चीज बताई जाएगी जो इंटर फाइनल ऑफिस में या फिर आप अपना टैक्स पे करते हैं तो काम आएगा आपको, ठीक है। नई चीज है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, अगर हम एग्जाम की बात करें तो। सर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स पिछली 2 क्लास से जो जो टास्क दिया था वो सारा टास्क आप कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे जिसमें सॉल्यूशन में मैंने खाली हिंट दिया था कि ये आंसर आएगा, वो आंसर मैच किया कि नहीं किया, आंसर को विथ फॉर्मेट भेज के बताना था। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर मैच कर गया तो आंसर भेज नहीं रहे, सर मेरा आंसर मैच कर गया मैंने बना लिया बस ऐसे ही कर रहे, नहीं आपका आंसर मैच करे नहीं करे आपको सॉल्यूशन भेजना था, और कुछ क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन नहीं दिए थे जिसको विथ फॉर्मेट सॉल्व करके बना के भेजना था। प्लीज लास्ट के 2-3 क्लास से जो भी टास्क था ये सॉल्व करके मुझे भेजो, फोटो और PDF प्लीज कर लो, और रिवीजन करके आए हैं आप आज की क्लास में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं मेरे साथ YouTube पे, मैं ये एज्यूम करता हूं कि उनको थोड़ा बहुत टैक्स रेट का आइडिया है, टैक्स कॉम्पिटिशन का आइडिया है। सर मुझे कुछ भी टैक्स कॉम्पिटिशन का आइडिया नहीं है, मैं पहली बार टैक्स पढ़ूंगा आपके इस लेक्चर के थ्रू, ऐसी गलती मत करना YouTube पे। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस सीरीज का लेक्चर 1 से सिक्वेंस में लेक्चर को देखते हुए यहां आओ, हमने पीछे 7-8 क्लास मेहनत की है यहां पर पहुंचने के लिए, तो प्लीज आप भी मेहनत करो जो YouTube पे पहली बार जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाया करो अगर तुम मुझे YouTube पे फॉलो करते हो तो, एंड दूसरा मुझे Telegram पे फॉलो जरूर करो अपने कोर्स के हिसाब से। चलिए सर हम लोगों ने क्लास में क्या बात की, सेक्शन 115 BAC के बारे में, कौन सा सेक्शन में हम लोग, सेक्शन 115 BAC। काफी सारे चेंजेस आए हैं फाइनेंस एक्ट 2023 को लेके, मैं भी सब चेंजेस बताता जाऊंगा क्लास के अंदर अभी, और पहले भी क्लास के अंदर बता रखा है, लिखने का तरीका एग्जाम में चेंज हो गया,
अब आने वाले एग्जाम में आपको लिखने का तरीका भी चेंज करना है, वो भी क्लास में बताया है, आज भी बताऊंगा। पहले हम लोग लिखते थे कि 115 बीएससी ऑप्ट किया कि नहीं किया, क्योंकि ये ऑप्शनल स्कीम थी, ऑल्टरनेटिव स्कीम थी। अब ये डिफॉल्ट स्कीम है, एक तरह से मैंडेटरी स्कीम है। तो अब हम लोग क्लास के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि क्या एसएससी सेक्शन 115 बीएससी से बाहर निकल गया है या नहीं, शिफ्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएससी। तो ये सारी बातें क्लास में एक बेस के साथ हमारा डिस्कशन हो रखा है। अब डिटेल्ड डिस्कशन की बारी है। सर पेज नंबर 2.8 में है, जो क्लास के अंदर लेटेस्ट अमेंडेड बुक रेफर हो रही है, फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडेड बुक, असेसमेंट ईयर 24-25 को बेस पे लेके। प्लीज ध्यान रखना, कोई बच्चे गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं और 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। आपका एग्जाम 2023 में है, नवंबर में, दिसंबर में, तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें, आपके लिए नहीं है। 2024 में अगर आपका एग्जाम है, मई, जून, नवंबर, दिसंबर, तभी इस वीडियो को देखें, अगर हम इस प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो। नॉलेज लेनी है, सभी लोग देखें, सीनियर, जूनियर, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। ये सेक्शन मल्टीपर्पस क्लास है, ये सबके काम आने वाली है। इसको शेयर भी करें, पहले खुद समझ लें, अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। सर क्लास के अंदर बात हुई कि हम लोग किसी भी एसएससी टैक्स पेयर, एसएससी जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, उसके टैक्स कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले हम उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं और फिर हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं। और मेनली अभी हमारा टारगेट कंपनी नहीं है, क्लास के अंदर मेनली हमारा टारगेट कौन है, इंडिविजुअल एचयूएफ। हम अभी कंपनी, कॉरपोरेट टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे। कंपनी के अलावा बाकी एसएससीज में भी हमारा पूरा फोकस पिछले 3-4 क्लासे किस पे है, इंडिविजुअल पे। बात एचयूएफ की भी होती है लेकिन एचयूएफ पे फोकस ही नहीं है। सर इंटरमीडिएट लेवल पे इंडिविजुअल का टैक्सेशन इंपॉर्टेंट होता है और फाइनल लेवल पे कंपनी का टैक्सेशन, बट फाइनल लेवल पे इंडिविजुअल भी पढ़ना है। तो ये वीडियो फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उनके सिलेबस में भी है। सर टैक्स कंप्यूटेशन, अगर मान लो हम इंडिविजुअल की बात करें, टैक्स कंप्यूटेशन की, टोटल इनकम के कंप्यूटेशन और टैक्स कंप्यूटेशन की, तो तीन तरीके से हम टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं। एक रेगुलर प्रोविजंस, नॉर्मल प्रोविजंस, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस दे रखी हैं, एलिजिबल है लो क्लास, मतलब जो भी क्लास में पढ़ेंगे या जो भी इनकम टैक्स एक्ट में, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अगर आप किसी डिडक्शन और एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल हैं तो उसको क्लेम कीजिए, टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए और रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए टैक्स कंप्यूट कीजिए, मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 में जो रेट दे रखे हैं उसको फॉलो करते हुए टैक्स पे कीजिए। उसी में फिर क्लास में क्या डिस्कस किए कि आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस लग सकते हैं सेक्शन 115 जेसी। क्लास में, पिछली पूरी क्लास में इसका डिस्कशन हुआ। 115 जेसी कंपनी को छोड़ के सब पे एप्लीकेबल है, सोसाइटी का रेट 15% और बाकी सब का रेट 18.5%। इसमें हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। अगर तुमने तीन तरह के बेनिफिट ले रखे हैं तो एएमटी के प्रोविजंस कब अप्लाई होते हैं, जब आप रेगुलर प्रोविजंस के अंदर रहते हैं और उसमें तीन तरीके के बेनिफिट ले रखे हैं, सेक्शन 10AA, सेक्शन 35AD एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन, जिसका रेंज है सेक्शन 80IA-80RRB। क्लास के अंदर बात हुई पिछली क्लास में। सर आप इन दोनों में नहीं है, अगर आप किसमें है, सेक्शन 115 बीएसी, जिसको कहा क्या जाता था ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम अभी तक, अब हम लोग क्या कहेंगे इसको, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अब इसको क्या कहेंगे, डिफॉल्ट, अभी तक क्या कहते थे, ऑल्टरनेटिव, ऑप्शनल। सर टैक्स कंप्यूटेशन तीन तरीके से कर सकते हैं, अगर हम मान लो इंडिविजुअल की बात करें, एचयूएफ की बात करें, या फिर हम एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन की भी बात करें, उसकी टोटल इनकम तीन तरीके से निकाली जा सकती है, टैक्स तीन तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। एक रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, जिसमें हम फाइनेंस एक्ट 2023 की जो रेट्स हैं वो यूज करते हैं, जैसे कि स्लैब रेट्स, वो फॉर एग्जांपल अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है, उसके बाद के 2 लाख पे 5%, उसके बाद के 5 लाख पे 20%। बात करते हैं क्लास के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्लैब डिस्कस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक लिमिट थी 2,50,000 की, दूसरी लिमिट थी 3 लाख की, तीसरी लिमिट थी 5 लाख की, डिपेंडिंग अपॉन एज। तो रेगुलर प्रोविजंस,
ठीक, ये हो गया एक। और रेगुलर प्रोविजंस में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के इफ यू आर एलिजिबल फॉर देन यू क्लेम डिडक्शन यू क्लेम एग्जम्पशंस व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम डन। अब फिर आता है एएमटी। अगर तुमने तीन तरीके के बेनिफिट लिए हैं तो एएमटी के प्रोविजंस लगेंगे। क्लास में डिस्कस हुआ तीन, कौन सा तरीका, 10AA, 35AD एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन 80IA टू 80RRB। अब ये है तीसरी स्कीम सेक्शन 115BAC जिसको करंट ईयर में अमेंड करके क्या कर दिया गया, डिफॉल्ट टैक्स बना दिया गया है कि इसमें आपको रहना है, निकलना है तो देख लो, वो भी हम बात करेंगे। अभी तक तो क्लास में खाली सुना था, अब हम बात करेंगे। सर एग्जाम नाइट का टॉपिक है रिवीजन, यानी फ्यूचर में अभी तो पढ़ा रहा हूं आपको, अभी दो क्लास कम से कम लगेगी, आज की क्लास और अगली क्लास, दो क्लास कम से कम लगेगी, तीसरी का पता नहीं। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, हर तरह के सिचुएशंस बताऊंगा, जो भी क्लास के अंदर पढ़ा है सब इसमें इन्वॉल्व होगा। आपने क्लास के अंदर क्या पढ़ लिया, रिबेट, इसमें इन्वॉल्व होगा। सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ इसमें इन्वॉल्व होगा। स्पेशल रेट वाली इनकम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जो भी क्लास के अंदर मेहनत की हमने पिछले 5-6 क्लास में, वो सारी चीजें इसमें हम लोग रिपीट करेंगे, बट सेक्शन 115BAC को ध्यान में रखते हुए। क्या सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आंसर इज यस। एग्जाम नाइट वाला टॉपिक है, मतलब बिना इसको रिवीजन के एग्जाम देने मत जाना। कुछ बच्चे एबीसी एनालिसिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ए कैटेगरी में रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी चैप्टर का, ऐसे समझो। सेक्शन 115BAC रिवीजन करके एग्जाम में जाना है, रिवीजन के लिए जरूर इसको रखना है। सर हम लोग अपडेटेड पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2023 वाला, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो 8 से 10 मार्क्स के लिए ऑलवेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये सीए इंटर सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड हो रही है, और ये सेक्शन कॉमन है, दोनों के सिलेबस में है, जितनी भी बात करेंगे कॉमन है। बट इस क्लास का फायदा YouTube पे सभी बच्चे उठा सकते हैं, चाहे आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, इंटर लेवल पे आप सीए सीएमए सीएस कोर्स ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी किसी भी एकेडमिक पर्पस के लिए, अगर मान लो आप एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इनकम टैक्स एक्ट आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको, तो सर टैक्स कॉम्प्यूटेशन में ये सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। आप जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड काम देखते हैं, ये वीडियो रेलिवेंट है। डायरेक्ट टैक्स से लेना देना है छोड़ो, आप आगे इंटरव्यू देने जा रहे हैं टैक्स से रिलेटेड छोड़ो, आपको टैक्सेबल इनकम हो रही है और आप खुद की टैक्सेबिलिटी जानना चाहते हैं, मल्टीपर्पस, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, आपके घर में कोई नौकरी कर रहे हैं, आपके घर में कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर में जो आपके सीनियर हैं, अगर उनको टैक्सेबल इनकम हो रही है, टैक्स पे करते हैं वो, तो फिर ये सेक्शन उनके लिए रेलेवेंट है और इस सेक्शन के बारे में वो जानते होंगे। लेकिन इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं रिसेंटली, वो अब आप जानेंगे, वो नहीं जानेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपसे हेल्प लेंगे और आप उनको बताओगे। सर ये करंट ईयर जो चल रहा है, प्रीवियस ईयर 23-24, जब फिनिश हो जाएगा मार्च 24 जब फिनिश हो जाएगा, तब उनको सेक्शन 115BAC उनको जरूरत पड़ेगी इस सेक्शन की, और फिर वो पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि यार पहले तो हम ऐसा करते थे, अब क्या करेंगे। तो अब क्या करेंगे मतलब अमेंडमेंट, वो बस हम लोग क्लास के अंदर डिस्कशन भी कर रहे हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम वाइज और अदरवाइज, ये मैं कहना चाह रहा हूं, और इतनी रेलिवेंस मैंने कभी किसी क्लास में नहीं बताई, चाहे मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊं या फिर यूट्यूब पे बताऊं, किसी भी सेक्शन का इतना कॉमन यूज नहीं है। सर एक नॉर्मल इंजीनियर, मान लो एक इंजीनियर जो अपनी सैलरी पे जॉब करके एक टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए भी ये सेक्शन रेलेवेंट है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी इनकम हो रही है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस इनकम हो रही है, सर कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है, टैक्स आपकी लाइफ में है क्योंकि आप टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं, ये सेक्शन
बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में है, क्योंकि नाम ही क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, सेक्शन 115 बीएसी। कोई भी आदमी इंडिया में, अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ऐसे तो पांच लोगों की बात होती है इसमें, कोई भी इंडिविजुअल अगर आज के दिन, करंट ईयर की बात कर रहा हूं, आज के दिन मतलब करंट ईयर, इस ईयर के लिए ऐसे समझो ना, आज के दिन कोई भी इंडिविजुअल अगर टैक्स पे कर रहा है तो ही इज एक्सपोज्ड टू सेक्शन 115 बीएसी टू डिसाइड इसमें रहे या नहीं रहे, ऐसे समझो। बिना इसके आप टैक्स कंप्लायंस नहीं कर सकते, इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स एक्ट। और सर आगे क्लास के अंदर जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर इनकम अगला क्लास होने, अगला चैप्टर जो हमारा है एग्रीकल्चरल इनकम, या आगे हाउस प्रॉपर्टी, आगे सैलरी, या फिर आगे आपका पीजीबीपी, या फिर आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या फिर आगे डिडक्शन, या फिर उसके आगे सेट ऑफ ऑफ लॉस, या फिर उसके आगे क्लबिंग, सर हर जगह ये सेक्शन काम आएगा। जो भी चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, हर चैप्टर में इस सेक्शन का रेफरेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पढ़ाई के बारे में बात करो तो। सर बिफोर, पहले हम लोग इसको क्या बोलते थे, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, और ये ऑप्शनल था। नाउ फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जो कि एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। लेकिन अब आप इससे बाहर निकल सकते हैं, ऑप्शन है इससे बाहर निकलने का, इफ एसएससी हैज नॉट शिफ्टेड आउट, ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी। यानी इफ एसएससी हैज नॉट ऑप्टेड आउट, मतलब तुमको 115 बीएसी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सर इफ ऑप्टेड आउट, इफ शिफ्टेड आउट, क्या बताया क्लास में, अगर तुम 115 बीएसी बाहर निकलना चाहते हो, बाहर निकल जाओ, फिर तुमको कहां आना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजंस में आना पड़ेगा, और वहां पर तुम्हारे ऊपर एएमटी भी अप्लाई हो सकता है। और ये पिछली क्लास में देख चुके हैं, हाउ टू कॉम्प्यूट नॉर्मल टैक्स एंड देन हाउ टू कॉम्प्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम एंड एएमटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एएमटी क्रेडिट, ये पूरा पिछली क्लास में आपको समझाया है। ठीक सर, आप 115 बीएसी जो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, इससे बाहर नहीं निकले हैं, आप इसी में हैं, तो आपको नॉर्मल रेट अप्लाई नहीं होगा, जो क्लास के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाला जो स्लैब रेट पढ़ते हैं वो अप्लाई नहीं होगा। सर जो स्पेशल रेट पढ़ते हैं अप्लाई होगा, ये क्लास में आपको बताया है। स्पेशल रेट जैसे सर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में 15% टैक्स देंगे, स्पेशल रेट का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट, स्पेशल रेट का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 10% 1 लाख माइनस करके, स्पेशल रेट का मतलब कैजुअल इनकम पे 30%, वहां एक नया सेक्शन आया है नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, वहां भी 30%। सर वो जितने भी क्लास के अंदर स्पेशल रेट आपने पढ़े हैं सब यहां अप्लाई होंगे, हम सब पे क्वेश्चन भी करेंगे। क्या एएमटी यहां अप्लाई होगा, नहीं। सरचार्ज अप्लाई होगा, यस अमेंडमेंट है इसमें। रिबेट अप्लाई होगा, यस अमेंडमेंट है इसमें। एक नया तरीके का रिबेट पढ़ेंगे, 115 बीएसी के अंदर रिबेट मिलेगा, एक नए तरीके से मिलेगा। 115 बीएसी के अंदर क्या आपको सरचार्ज देना है, हाँ देना है, लेकिन इसका लेवल 3 ही है, हम लोग नॉर्मली 4 पढ़ते हैं, 10, 15, 25 और 37, यहां है 10, 15 एंड ओनली 25, ये पिछली क्लास में बताया भी था। सेस, यस कोई दिक्कत नहीं है, देंगे सेस हर जगह है। सर सेस हर जगह है, सेस 4% जो देते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, चाहे इंटर की बात करो या फाइनल की बात करो, राइट, कि आपको मैं बोलूं कि यहां सेस नहीं देना है, यहां खाली टैक्स देना है। तो प्लीज, अब तक हम लोग इसको बोलते थे ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, अब इस साल से आपको क्या बोलना है इसको, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पहले ये ऑप्शनल होता था, अब एक तरह से क्या है, डिफॉल्ट यानी मैंडेटरी है अगर तुम ऑप्ट आउट नहीं करते हो। और ऑप्ट आउट करने का तरीका क्या है सर, सर ऑप्ट आउट के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज या अगली क्लास में, सेक्शन 115 बीएसी के अंदर एक नया सबसेक्शन आया, सबसेक्शन 6, उसकी हेल्प से इस सेक्शन से बाहर निकलेंगे, किससे, 115 बीएसी से बाहर निकलना है, ये डिफॉल्ट है। अब पिछले साल तक हम लोग क्या करते थे, बच्चों को क्या पढ़ाते थे, 115 बीएसई ऑप्ट करना है, ऑप्शनल है, अब इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए एक नया सबसेक्शन आ गया 115 बीएसई 6, बताऊंगा उसके बारे में। सर लास्ट ईयर तक ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे था, अर्लियर
लास्ट ईयर तक। सबसे पहले यह सेक्शन कब आया? फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू यह सेक्शन आया, 115 BAC, और छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहे। लास्ट ईयर तक ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF पे था, लेकिन अब इस ईयर से फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 सर ये इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन सभी पे है। MCQ के लिए ध्यान रखना, हाँ AOP में कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है। कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से दो सेक्शन क्लास में बताया हुआ है, 115 BAD, 115 BAE। लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। सर क्लास में एक बात और बताई थी पर्सन के डेफिनेशन में, क्लास में एक बात बताई थी कि कॉपरेटिव सोसाइटी डायरेक्ट पर्सन के डेफिनेशन में नहीं है। डायरेक्ट जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का डेफिनेशन है उसके अंदर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आता है कौन? कॉपरेटिव सोसाइटी, ये बताया मैंने। और कॉपरेटिव सोसाइटी का अलग से टैक्स रेट भी पढ़ा हमने, 10%, 20%, 30% वाला, 10,000, 20,000 लिमिट वाला, आपकी क्लास हो चुकी है। और वहां पर मैंने आपको 115 BAD के बारे में बताया, नया सेक्शन 115 BAE के बारे में बताया, ठीक। ये आपके साथ बातें हो रखी हैं। क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 115 BAC में अमेंडमेंट के कारण अब ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम हो गई है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, लेकिन अब आप इससे बाहर निकल सकते हैं, शिफ्टिंग आउट बाय यूजिंग द कंप्लायंस प्रोसीड्योर गिवन इन सबसेक्शन 6। सर नॉर्मल आप अगर इस स्कीम में कंटिन्यू रहते हैं 115 BAC में, तो जो नॉर्मल रेट हम लोग पढ़ते हैं क्लास के अंदर पेज नंबर 2.1 पर, जो हमने पढ़ा पेज नंबर 2.1 पे, वो अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल रेट अप्लाई होगा, काफी सारे पढ़े क्लास के अंदर, 6 पढ़ चुके हैं स्पेशल रेट, कैपिटल गेन के 3 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 3, एक नया कैजुअल इनकम के अंदर आया है ना। कैजुअल इनकम में अब 2 सेक्शन हो चुके हैं, बताया क्लास के अंदर। AMT अप्लाई नहीं होगा, सरचार्ज अप्लाई होगा लेकिन अमेंडमेंट है, रिबेट अप्लाई होगा लेकिन अमेंडमेंट है, शेष सर्वत्र है, ठीक। थोड़ी सी इसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ी है। सर ये देखिए, थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता हूं, फाइनेंस एक्ट 2023 सेक्शन 115 BAC ने इसको क्या बना दिया? डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। एप्लीकेबिलिटी इसकी बढ़ गई, 5 तरह के SEC पर अब यह अप्लाई होता है। सर जो टैक्स का लेवल है, रेट्स, टैक्स का जो रेट्स और टैक्स का लेवल दोनों में चेंजेस है। पिछले साल तक हम लोग बच्चों को बोलते थे कि इस स्कीम के अंदर 2,50,000 तक टैक्स नहीं देना है, अब इस साल से नया लेवल दिया 3 लाख का। सर नया लेवल दे दिया है 3 लाख का, अभी बात करेंगे। सर पिछले साल तक इसमें 6 रेट्स थे, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब इस साल से 25 को हटा दिया है, सिर्फ 5 ही रेट है, 5, 10, 15, 20, डायरेक्ट 30। सरचार्ज के रेट्स 6 से कितना कर दिया? 5। सरचार्ज के 4 लेवल से कितना कर दिया है? 3 लेवल। रिबेट के लिए एक नया लेवल ला दिया है 7 लाख का, प्लस एक मार्जिनल रिलीफ ला दिया है, मार्जिनल रिलीफ भी ला दिया है रिबेट के अंदर। आपने जो क्लास के अंदर रिबेट पढ़ा वो सिंपल पढ़ा, 5 लाख तक टैक्स में रिबेट लेके टैक्स 0। अब हम लोग नई चीज पढ़ेंगे, रिबेट के अंदर 7 लाख का लेवल, रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ, एक सरचार्ज में पढ़े थे, एक रिबेट के अंदर सीखेंगे। सर नए सब सेक्शन आए हैं, सब सेक्शन 1A नया आया है, जिसमें इसमें है ना, हमने इसके स्कोप को बढ़ाया, नया टैक्स रेट्स दिया, नए स्लैब्स दिए इसके अंदर आपके ईयर से, नए सबसेक्शन आ गए हैं, ये न्यू सबसेक्शन है, न्यू सबसेक्शन 1A। सर उसके अलावा इसका सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। मैंने क्या कहा, सेक्शन 115 BAC में, क्लास में क्या बताया हुआ है, सेक्शन 115 BAC में काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने को मना है, लेकिन रिलैक्सेशन थोड़ी सी अमेंडमेंट करके बोला गया चलो ये सब ले सकते हो, हम बात करेंगे इन सब की। एक डिडक्शन का है TCCH2, ये नया सेक्शन आया है, न्यू सेक्शन ही आया है बेसिकली, डिडक्शन चैप्टर में एक नया सेक्शन आया आपके सिलेबस में TCCH बोल के। सर उससे रिलेटेड एक डिडक्शन बोलता है ले लो, सब सेक्शन 2 वाला। एक फैमिली पेंशन से रिलेटेड डिडक्शन पिछले साल तक मना था, इस साल बोला ले लो। सैलरी के अंदर 50,000 रुपीज का डिडक्शन लेते हैं, आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, पिछले साल तक मना था, इस साल से बोलता है ले लो। 115 BAC में जो चेंजेस हुए हैं इस फाइनेंस एक्ट के थ्रू, उसमें
कुछ बेनिफिट्स को बोला है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, उसके अलावा मैंने क्या कहा, थोड़े से प्रोसीड्यूरल चेंज हुए हैं, फॉर्म्स वगैरह सब चेंज हुए हैं, इसके लिए भी एक नया सब सेक्शन लाया है, सब सेक्शन 6। बंद किसको कर दिया, 115 बीएसी सब सेक्शन 5 को बंद कर दिया। यहां पर किसको बंद किया, 115 बीएसी सब सेक्शन 1 को बंद कर दिया, उसकी जगह 1A आ गया, 5 को बंद कर दिया, 6 आ गया। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट से ए, ऑप्शनल से क्या बन गया, ये डिफॉल्ट, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीड्यूरल चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि अब आपको ये स्कीम ऑप्ट नहीं करनी है, इस स्कीम से बाहर निकलना है, टू शिफ्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी, बीएसी से बाहर निकलना है। पहले क्या था, बीएसी को ऑप्ट कैसे करना है, तो उसमें था 115 बीएसी सबसेक्शन 5, अब क्या है, ऑप्ट आउट कैसे करना है, बाहर कैसे निकलना है, तो नया सबसेक्शन ही आ गया। सर नया सबसेक्शन में नया रूल आ गया, नए फॉर्म्स आ गए, पुराना रूल बंद हो गया, पुराने फॉर्म्स बंद हो गए, ऐसे समझो। हम बात कर रहे हैं इस असेसमेंट ईयर की, जब ये असेसमेंट ईयर का कंप्लायंस करने जाएंगे 31 मार्च 2024 के बाद, अभी वो डेट आई नहीं है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, सर 31 मार्च 2024 के बाद जब ये कंप्लायंस करेंगे इस सेक्शन का, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो हमें नए रूल नए फॉर्म्स में जाने पड़ेंगे, नए सब सेक्शन में जाना पड़ेगा। सब सेक्शन आपके सिलेबस में है 6, बताऊंगा, लेकिन ये जो फॉर्म्स है रूल्स है एग्जाम में, एग्जाम के लिए नहीं है, मैंने रेफरेंस के लिए दिया है कि अब रूल 21G के जगह पर हमें क्या रेफरेंस में लेना पड़ेगा, 21AGA, रूल 21AG के जगह रूल 21AGA, फॉर्म नंबर 10IE के जगह पर फॉर्म नंबर 10IEA रेफरेंस में लेना पड़ेगा। कब, 31 मार्च 2024 के बाद टू कंप्लाई असेसमेंट ईयर 24-25 रिलेटेड टैक्सेस, 31 मार्च के बाद, आज के दिन जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन तो पुराना रूल पुराने फॉर्म्स के हेल्प से ही कंप्लायंसेज हो रहे हैं, क्योंकि पिछले असेसमेंट ईयर के कंप्लायंस अभी हो रहे हैं। सर जो करंट ईयर है आपका प्रीवियस ईयर 23-24, इसके कंप्लायंस कब होंगे, पोर्टल पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, 31 मार्च 2024 के बाद। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये जो नया सबसेक्शन में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 5 से किस में, 6 में, यानी अभी एग्जाम में भी और क्लास के रेफरेंस के लिए भी हमें ध्यान रखना होगा। और यहां सबसेक्शन का रेफरेंस लिया जाता है इस सेक्शन के अंदर, ध्यान रखना, इस सेक्शन के अंदर आपके एग्जाम के लिए सबसेक्शन के रेफरेंस भी आएंगे, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सबसेक्शन 1 का रेफरेंस नहीं लेना, ये अब बंद हो गया इस असेसमेंट ईयर से, अब हमें 1A का रेफरेंस लेना है। ठीक, इनकम कंप्यूट करते समय सबसेक्शन 2 पहले भी था, अभी भी है, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो हमें अंदर नहीं जाना है कि अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, सबसेक्शन का रेफरेंस सेम है। हम लोग बच्चों को पहले क्लास में बताते थे कि सेक्शन 115 बीएससी सबसेक्शन 5 में लिखा है कि इस तरीके का प्रोसीड्यूर फॉलो करके तुम 115 बीएससी ऑप्ट कर सकते हो। अब क्या पढ़ा रहे हैं, 5 नहीं 6, और 6 में कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ प्रोसीड्योर हैं, उसको फॉलो करते हुए क्या कर सकते हो, तुम 115 बीएससी से बाहर निकल सकते हो, 115 बीएससी से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन प्राइमा फेसी आपके साथ कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे करके हम लोग आगे जाएंगे। अभी मैं समझा रहा था कि क्या चेंजेस हैं, एंड चेंजेस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक सर, सारी बातें हम लोग आज और अगली क्लास में करेंगे, सरचार्ज के क्वेश्चन, डिबेट के क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन, जो नया लेवल आया है और जो नए रेट्स आए हैं, हर तरह की वैरायटी विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, सो डोंट वरी। मैं थोड़ा सा यहां पर कंपैरिजन कर दूं, क्या बता रखा है क्लास में, ये मैंने बता रखा है क्लास के अंदर आपको, पिछली 2-3 क्लास में ये सारा बता रखा है। क्या ये 3 सेक्शन है जो कंपनी के लिए है, 115 बीए, 115 बीएए, 115 बीएबी, इसका यूज नहीं होता, नाउ नॉट रेलिवेंट,
और मैंने बताया इन दोनों सेक्शन के बारे में क्लास के अंदर कि एक पे 22% का टैक्स, एक में 15% का टैक्स है कंपनी के लिए। अभी हम लोग किस सेक्शन में, 115 BAC, जो पहले इंडिविजुअल HUF के लिए था, अब 5 लोगों के लिए। ठीक, ये दो सेक्शन क्लास के अंदर रेफर हुआ, एक में 22% का रेट है, एक में 15% का रेट है। ये दो सेक्शन किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताया है, फर्म और LLP के लिए कोई सेक्शन ऐसा है ही नहीं। सौतेला व्यवहार कर रखी है अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने अभी तक सौतेला व्यवहार कर रखा है। सर फर्म और LLP के लिए जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव टैक्स, या फिर जो है सोसाइटी के लिए कंपनी के लिए, हमें लगता है ना कि सोसाइटी के लिए है, कंपनी के लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, तो वाई नॉट फॉर फर्म और LLP। अभी तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, वही मैंने यहां लिखा है, कंफ्यूजन ना हो। वहां सिर्फ दो ही तरह के टैक्स हैं, एक नॉर्मल टैक्स और एक AMT। नॉर्मल टैक्स का मतलब है आप फाइनेंस एक्ट से रेट ले लो, क्लास में क्या पढ़े, LLP फर्म के लिए फाइनेंस एक्ट का रेट 30%। AMT में क्या पढ़े, 18.5%। कंपनी के लिए क्या पढ़े, मैट, कंपनी के लिए मैट, बाकी सब के लिए AMT। ठीक, और ये जो स्पेशल सीरीज है 115 सीरीज BAC वाली, ये जो अभी पढ़ रहे हैं, इसका मिलता जुलता सेक्शन सब सबके लिए है, किसको छोड़ के, LLP फर्म को छोड़ के। और अभी हमारा टारगेट ये है, आज का और अगली क्लास का टारगेट ये है। ठीक, क्लास में ये सारी बातें हुई, क्लास में आपके साथ ये सारी बातें हो रखी हैं। चाहो तो साइड में ये लिख लेना, रजिस्टर में साइड में लिख लेना, सर 115 BAC बेस है, 115 BAC इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे, और ये बेस है। इसकी काफी सारी बातें मिलती जुलती हैं कंपनी में, कंपनी के दो सेक्शन है 115 BAA BAB, और इसी से काफी सारी मिलती जुलती बातें 115 BAD BAE में भी हैं। बट यहां जैसे स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है, 115 BAC में स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट है, नया स्लैब आया 3 लाख वाला, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ऐसा कोई स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट रेट है। कंपनी में फ्लैट रेट है, यहां पर आपका 22%, यहां पे आपका 15%, सोसाइटी में भी यहां फ्लैट रेट है 22%, यहां 15%, इसका अपना सरचार्ज है 10% का, इसका अपना सरचार्ज है 10% का, ये सब क्लास के अंदर बताया गया। जिस समय क्लास में हम लोग फर्म वाला डिस्कशन कर रहे थे, कंपनी का डिस्कशन कर रहे थे, ये सब आपको मैंने बताया है, और आपको रिवीजन करने बोला था, तो रिवीजन में ये सब आया होगा, आपको याद आ रहा होगा, हाँ 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 ऐसा पढ़े सर ने, पढ़ाया सर ने। 115 BAC थोड़ा सबसे अलग है, लेकिन इसकी, इसके अंदर जो भी बात करेंगे काफी मिलती जुलती बातें हमें देखने को मिलेगी फ्यूचर में, कंपनी से रिलेटेड सेक्शन में, सोसाइटी से रिलेटेड सेक्शन में। तो ये बेस है एक तरह से, आप इंटर में हो या फाइनल में हो, ये जो स्पेशल सीरीज है इसमें शुरुआत ही कहां से होती है, 115 BAC से। फाइनल में भी टीचर सबसे पहले 115 BAC के बारे में बताते हैं, तभी फिर आगे कंपनी से रिलेटेड और सोसाइटी से रिलेटेड सेक्शन में जाते हैं। साइड में कहीं लिख लीजिए रेफरेंस के लिए, कहीं साइड में, पीछे आगे पीछे कहीं लिख लीजिए। वैसे क्लास में मैंने बताया हुआ है, LLP और फर्म, इस कंपैरिजन के थ्रू मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था, रिकॉल करवाना चाह रहा था, याद दिलाना चाह रहा था कि ऐसा कोई भी सेक्शन LLP फर्म के लिए नहीं है, कंपैरिजन करने पर यह पता चल रहा है। डन, वीडियो रोक के लिखा सर। और ये ऊपर वाली बात ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स का कंप्लायंस करने में 3 तरह की स्कीम है टैक्स कॉम्प्यूटेशन की, और तीनों में इनकम डिफरेंट निकलती है, ये भी बताया है क्लास में। आप रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करोगे, उसका जो टोटल इनकम होगा और टैक्स जो होगा वो अलग होगा। अब AMT आपके ऊपर अप्लाई हो गया तो उसमें इनकम अलग निकलेगी, उसका टैक्स अलग निकलेगा। ऑल द वहां एक कॉन्सेप्ट आपने क्लास में डिस्कस किया AMT क्रेडिट का। अब जैसे हम लोग 115 BAC में है, इसमें हम लोग जो इनकम कॉम्प्यूट करेंगे और जो टैक्स कॉम्प्यूट करेंगे वो बाकी दोनों से अलग होगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुमको 115 BAC में रहना है या 115 BAC से बाहर निकलना है। ठीक, लैंग्वेज सुनो, 115 BAC में रहना है या इससे बाहर निकलना है, क्योंकि अब ये डिफॉल्ट है। बाहर निकलने के बाद तुम्हें दो लोग मिलेंगे, एक रेगुलर प्रोविजंस और AMT। AMT सिचुएशनल है,
हमेशा अप्लाई नहीं होता। और एक क्लास में जाते जाते पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख या उससे कम है तो एएमटी अप्लाई नहीं होगा 5 लोगों पे। वही 5 लोगों की आज भी बात हो रही है, वही 5 लोगों की बातें पेज नंबर 2.1 पे भी हुई थी, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। वो 20 लाख वाली बात मैंने हाईलाइट कराई थी आखिरी लास्ट क्लास में जाते जाते कि देखो वो जो तीन इनकम तीन डिडक्शन का एडजस्टमेंट करने के बाद जब तुम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालोगे और वो 20 लाख और उससे कम हुआ तो एएमटी लगेगा ही नहीं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे एएमटी की क्लास में करेंगे, ये भी बात हुई। तो टैक्स कॉम्प्यूटेशन की, इनकम कॉम्प्यूटेशन की तीन स्कीम है, हम तीसरी कह लो या डिफॉल्ट में पहली कह लो, पहले तो इसी का नंबर आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहले यही सेक्शन आएगा अब, और इससे बाहर निकलने पर आएगा नॉर्मल प्रोविजंस। तीन तरह की स्कीम में से क्लास के अंदर नॉर्मल प्रोविजंस की सारी बातें हो गई, एएमटी की बातें हो गई, कुछ बातें आगे करेंगे एएमटी की क्लास में, और अब हम फाइनली किसमें है 115 बीएसई में। ठीक, यहां जो भी बताया है अब इसको एक बार लिखो। अब मेन रजिस्टर फ्रेश पेज, प्लीज मेन रजिस्टर पे आ जाओ, फ्रेश पेज पे आ जाओ। आज का लेक्चर नंबर डे टाइम जो लिखने बोलता हूं वो मेंटेन करो, फ्रेश पेज में नए तरीके से स्टार्ट करो लिखना। और ये जो जो बच्चे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं ना, ये बेसिकली जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, उनको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड हो रही है। तो पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, एग्जाम्पल कराए जाएंगे। एक होता है सेक्शन 115 बीएससी को प्रोफेशनल तरीके से बताना पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू, वो यहां नहीं होगा कि मैं ना यू नो प्रोफेशनल तरीके से जो है ना जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं प्रोफेशनल पर्सन हैं और फिर मैं एक पीपीटी स्टार्ट करके पीपीटी के थ्रू प्रोविजंस को डिस्कस करता जाऊं, वो यहां पर नहीं है। यहां पर थोड़ा लिखना है, थोड़ा समझना है और थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, मजा उतना ही आएगा। धैर्य है, टाइम दे सकते हैं सर। एक एक तरीका यह होता है कि आधे घंटे के अंदर रिवीजन करा दो सर 115 बीएससी का इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, ये वो वाली क्लास नहीं है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं सेक्शन 115 बीएससी इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स तो फिर ये वो रिवीजन वाली क्लास नहीं है, ये डिटेल्ड डिस्कशन की क्लास है विथ डिस्कशन ऑफ अमेंडमेंट्स। तो वो प्लीज ध्यान रखना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2 क्लास का टॉपिक है, मतलब कम से कम 5-6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे मुझे पूरे कॉन्सेप्ट्स और पूरे एग्जांपल्स को कराने में, एज इफ कि आपने पहले कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। जो मैंने पढ़ाया पीछे 7-8 क्लास में वही आपने पढ़ा है, मैं ये एजम्पशन चला के पढ़ाऊंगा इसको, बताऊंगा इसको। यहां पर बताया पहली बार ये सेक्शन कब आया, नॉलेज के लिए, नॉट फॉर एग्जाम्स। लिखिए प्लीज वीडियो रोक के, डन, वीडियो रोक के लिखा। और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन आप कर रहे हो ये किसी से भी डिस्कशन कर सकते हो, ध्यान रखना बहुत कॉमन डिस्कशन है ये, और आप मोस्ट अपडेटेड चीज पढ़ रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए भी और कॉमन लाइफ डिस्कशन के लिए भी। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट सर, पहला यहां पर कॉन्सेप्ट बताया कि अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम जो पहले ऑप्शनल होता था अब एक तरह से ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मैंडेटरी हो गया है अगर तुम इससे बाहर ना निकलो तो। बाहर निकलने के लिए है सबसेक्शन 6, वहां कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स प्रोविजंस प्रोसीड्योर है, बाहर निकल सकते हो। फिर नॉर्मल प्रोविजंस और एएमटी जो हम पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें चले जाओगे। सर 115 बीएससी में कंटिन्यू कर रहा हूं, टैक्स पे करूंगा तो इसका अपना टेबल है, अपनी लेवल ऑफ इनकम है, इसके अपने रेट्स हैं, बट स्पेशल रेट जो क्लास में पढ़ते हैं वो अप्लाई होगा। सरचार्ज अप्लाई होता है, रिबेट अप्लाई होता है, लेकिन वहां अमेंडमेंट्स हैं। पिछले साल तक सेम ही रिबेट था, चाहे आप 115 बीएससी में रहो या नहीं रहो, सेम ही सरचार्ज था जो 4 लेवल का हमने क्लास में पढ़ा।
है ना, 10%, 15%, 25%, 37% डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ एंड रिबेट का एक लेवल 5 लाख अप टू 12,500। सर पिछले साल तक सरचार्ज और रिबेट कॉमन ही थे, बट इस साल से सरचार्ज और रिबेट अलग हो गए हैं 115 BAC वालों के लिए, और हमें इस पे इसलिए क्वेश्चन भी करना है, अमेंडमेंट भी करनी है और क्वेश्चन भी करना है और कंपैरिजन भी करना है कि देखो तुम अगर रेगुलर प्रोविजंस को फॉलो करोगे तो ये आंसर आएगा और 115 बीएसई में रहोगे तो ये आंसर आएगा। तुमको कंपैरिजन भी करके दूंगा क्लास में, कंपैरिजन करके दूंगा, सरचार्ज में कंपैरिजन कराऊंगा, रिबेट में कंपैरिजन कराऊंगा, टैक्स कंप्यूटेशन में कंपैरिजन कराऊंगा, स्पेशल रेट्स वाली इनकम, कैपिटल गेन की इनकम दे के कंपैरिजन कराऊंगा कि देखो 115 बीएसई का ये टैक्स आएगा और नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करोगे तो ये टैक्स आएगा। तो उसी कंपैरिजन में जो भी क्लास में आपको पढ़ाया है वो रिवीजन होता जाएगा मेरे थ्रू, बाकी आप रिवीजन करके आए हैं ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। पिछली 2-3 क्लास के सारे टास्क कंप्लीट हैं और जितना पढ़ाया इस चैप्टर में सारा रिवाइज किया है। लिख लिया ये वीडियो रोक के आगे बढ़े। सर एक ये बताया कि एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड हो गई है, एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड हो गई है, स्कोप बढ़ गया है, यू कैन से स्कोप इंक्रीज्ड, यू कैन से स्कोप इंक्रीज्ड। पहले ये सिर्फ 2 ही एसएससी पे था, इंडिविजुअल एचयूएफ, अब इस ईयर से एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, एओपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं पे भी एप्लीकेबल है सेक्शन 115 बीएसी। और ये कौन कहता है ये बात, सेक्शन 115 बीएसी सब सेक्शन 1A, ठीक, सेक्शन 115 बीएसी 1A सब सेक्शन कहता है कि अब ये इंडिविजुअल एचईएफ के अलावा बाकी 3 लोगों पे भी एप्लीकेबल होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। देखिए अब कितनी चीजें इसमें इफेक्ट की हैं बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स। सर अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स, अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरा 115 बीएससी पढ़ा हुआ है, मुझे खाली अमेंडमेंट पढ़ना है। आप मान लो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो, आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो और एग्जाम 2023 में दिए नहीं दिए, डेफर कर लिए, अब तुम 2024 में एग्जाम दे रहे हो, अब तुम बोलते हो सर 115 बीएससी पढ़ा हुआ है मेरा, मुझे सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ना है। तो सर इसमें इतने सारे चेंजेस हैं कि अमेंडमेंट पढ़ने से नहीं होगा, फ्रेश पढ़ना होगा, और ये फ्रेश ही पढ़ाया जा रहा है। मतलब आप अगर 2024 में एग्जाम दे रहे हो, सेक्शन 115 बीएससी की अमेंडमेंट पढ़ना चाहते हो, तो अमेंडमेंट मत पढ़ो, रेगुलर बैच लो, यानी जो चल रहा है ये लो। और इसी रीजन से मैं इसकी पूरी क्लास यूट्यूब पे दूंगा। एक होता है सिर्फ अमेंडमेंट की क्लास देना और एक होता है पूरा फुल डिस्कशन देना, मैं फुल डिस्कशन दूंगा। मैं सभी बच्चों से तो यही रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, और जो मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे फॉर अमेंडमेंट्स, प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, खूब सारी कंपैरिजन करूंगा जिसमें अमेंडमेंट्स भी कवर होता जाएगा, और पहले क्या करते थे अब क्या करेंगे वो भी पता चलता जाएगा। तो एक तरह से अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा और डिटेल्ड डिस्कशन भी हो जाएगा। सर कहां कहां हिट किया है, डिफॉल्ट बना दिया इसको, एप्लीकेबिलिटी यानी 5 लोग आ गए, नए लेवल दे दिए, मैंने क्या बोला पहले कौन से लेवल थे ये देखो, पहले टैक्स रेट के लेवल थे 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, above 15, अब ये 3 के मल्टीपल में 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख। पहले रेट में 25% रेट भी होता था, अब 20% के बाद सीधा 30% है। ये जो रेट दिया हुआ है कहां दिया हुआ है, सेक्शन 115 बीएसी सब सेक्शन 1 में, और ये जो पहले रेट बंद हुआ ये कहां दिया हुआ था, सब सेक्शन 1 में, वही मैं आपको क्लास के अंदर बता रहा था। तो एप्लीकेबिलिटी यानी स्कोप बढ़ गया, ऑप्शनल से क्या हो गया डिफॉल्ट, ऑप्शनल से क्या हो गया डिफॉल्ट, जिसके कारण अब आपको इस स्कीम से बाहर निकलना है, शिफ्टिंग आउट। एप्लीकेबिलिटी, लेवल, रेट्स, रेट्स में 25% का रेट ड्रॉप हो गया, लेवल में 2.5 लाख का लेवल ड्रॉप हो गया, सरचार्ज 37% का लेवल ड्रॉप हो गया, रिबेट नया लेवल आ गया 7 लाख का, सेक्शन वही है 87A, और सरचार्ज का कोई सेक्शन नहीं, क्लास में बताया है। सरचार्ज कहां से आ रहा है, फाइनेंस एक्ट से आ रहा है, ये जो सरचार्ज है कहां से आ रहा है, फाइनेंस एक्ट से आता है।
कोई भी सरचार्ज जो क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, वो फाइनेंस एक्ट से ही आ रहा है। प्लीज वीडियो रोक के लिखिए, ये लिख चुके थे यहां तक, राइट? वीडियो रोक के लिख लिए थे, ये इसको लिखिए। सेक्शन 115 बी ए सी 1 की जगह पर हमें 1A में रेफरेंस लेना होगा, 2 की जगह 2 ही है, 2 के अंदर अमेंडमेंट है, और 5 की जगह हमें 6 का रेफरेंस लेना होगा। सब सेक्शन 6 नया आ गया, 5 की जगह 1A आ गया, 1 की जगह 2, 2 ही है, 2 के अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स है जो मैंने यहां पर बताई, ये वाली। रिबेट के लिए सेक्शन 87A के अंदर अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट को अभी तक क्लास में हमने डिस्कशन भी नहीं किया है। रिबेट के सेक्शन 87A के अंदर अमेंडमेंट है सेक्शन 115 बीएसी को लेके, वो भी डिस्कशन करना है। कुछ डिडक्शंस पिछले साल नहीं देते थे हम, बच्चों को पढ़ाते समय बोलते थे कि ये डिडक्शन नहीं मिलेगा जो नीचे लिस्टेड आउट है। जैसे हम बच्चों को पिछले साल तक पढ़ाते थे कि 50,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक फैमिली पेंशन में 15,000 रुपए की लिमिट है, वो नहीं मिलेगा। बताऊंगा, इस बैच में अभी तक नहीं बताया है आपको। अभी तक क्लास में सैलरी का डिस्कशन हुआ है 50,000 का, लेकिन फैमिली पेंशन का डिस्कशन नहीं हुआ है, बताऊंगा। और ये सेक्शन तो नया ही आया है, 80CCH सब सेक्शन 2। नया सेक्शन में 80CCH के अंदर दो बेनिफिट है, 1 और 2। 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा। फैमिली पेंशन पिछले साल तक नहीं मिलता था, अब मिलेगा 115 बीएससी के अंदर। सैलरी का 50,000 का बेनिफिट पिछले साल तक नहीं मिलता था, अब मिलेगा। ये मिलेंगे, बाकी कुछ और डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए नोट्स पे हम लोग जाएंगे। वो तो कंटिन्यू है, पहले भी नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता, उसकी बात करेंगे। और लिस्ट है लंबी चौड़ी, 115 बीएससी में लंबी चौड़ी लिस्ट है कि तुमको ये डिडक्शंस और ये एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। वो कहां? सब सेक्शन 2 के अंदर, जिसको हम नोट्स में रेफर करेंगे। आई होप वीडियो रोक के आपने ये सब लिखा, डन। थोड़ा सा प्रोसीड्यूरल चेंज का डिस्कशन भी मैंने आपके साथ किया कि अब हमें सेक्शन 115 बीएसी से ऑप्ट आउट करना है, तो उसके लिए सब सेक्शन 6 आ गया, उसमें उससे रिलेटेड नए रूल आ गए, रूल 21AGA, नए फॉर्म्स आ गए, फॉर्म नंबर 10IEA, जो कब काम आएंगे, यूजफुल आफ्टर 31st मार्च 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 का कंप्लायंस अब करेंगे टैक्स पेयर 31st मार्च 2024 के बाद, तो फिर ये नया फॉर्म काम आएगा, फॉर्म नंबर 10IEA। फिलहाल एज पर करंट लॉ, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन के लॉ के हिसाब से, फॉर्म नंबर रूल नंबर एग्जाम के लिए नहीं याद करने हैं। सब सेक्शन का रेफरेंस लेंगे हम लोग, 3 सब सेक्शन का रेफरेंस लेंगे, एक 1A का, एक 2 का, एक 6 का, जिसको मैं बार बार क्लास के अंदर रेफर कर रहा हूं। तुम मुझे मैसेज मत करना पर्सनली, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, सर सब सेक्शन भी याद करना है क्या? इस सेक्शन में सब सेक्शन भी याद करना है। वैसे मैं जनरली क्लास के अंदर रेफरेंस नहीं लेता सब सेक्शन का, लेकिन इस सेक्शन के अंदर याद करना है। मैसेज मत करना सर सब सेक्शन भी, हाँ सब सेक्शन 1A, 2 एंड 6, डोंट वरी। लिख लिया वीडियो रोक के यहां तक, डोंट वरी, हम आगे बात करेंगे फैमिली पेंशन की, सैलरी की, और 80CCH वाले बेनिफिट्स की बात तो हम लोग डिटेल्ड में करेंगे। ये जो अग्निवीर से रिलेटेड स्कीम आ रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आर्मी वालों के अग्निपथ स्कीम कह सकते हो आप उसको, उससे रिलेटेड ये बेनिफिट है 80CCH का, डिडक्शन में अमेंडमेंट। हम डिडक्शन चैप्टर में इसकी बात करेंगे, सैलरी चैप्टर में भी बात करेंगे इसकी। अग्निपथ स्कीम बहुत कॉमन स्कीम है, 4 साल वाली आर्मी की भर्ती वाली, वो आपको पता होगा। उस भर्ती में लोगों को जो सैलरी मिलेगी उससे रिलेटेड गवर्नमेंट फिर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेगी कुछ फंड में, उससे रिलेटेड ये बेनिफिट है 80CCH में। बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसकी, जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर 80CCH में आएंगे। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर मैंने क्यों बोला अभी अभी, मैंने क्यों बोला अभी अभी कि हमें सब सेक्शन का रेफरेंस लेना होगा पढ़ाते समय, इसीलिए
एसएससी। अब एसएससी कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या एचयूएफ या एओपी या बीओआई या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। हमारा मेन फोकस किस पे है पिछले तीन चार क्लास से? इंडिविजुअल टैक्सेशन। एचयूएफ का नहीं सीखे क्या? सीखा, एचयूएफ के क्वेश्चन किए, एचयूएफ में बात की कि 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2.5 वाला बेनिफिट मिलेगा। एचयूएफ को ये सेक्शन है यस सर। एसएससी कोई भी हो सकता है, नॉट ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी। हमने आपको सब सेक्शन 6 में बोला था कि इस सेक्शन से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, निकलना चाहते हो तो, तुम नहीं निकले तो रहो इसी में। पहला स्टेप सर, ये एक डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम हो चुका है ऑप्शनल से 115 बीएससी, राइट? लगेगा ही लगेगा आपके ऊपर, ये बाहर निकलना है तो निकल जाओ। नहीं सर, नहीं निकले तो फिर रहो इसी में। अब इसमें रहोगे तो सेकेंड स्टेप, 31 मार्च के बाद तुम्हें मौका मिलेगा 115 बीएससी से बाहर निकलने का सबसेक्शन 6 में। नहीं निकले, अब रहो इसी में। इसमें रहने के बाद अब तुमको बोला गया कि अब तुम्हें अपनी एक फ्रेश टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी एज पर सबसेक्शन 2, और वहां बहुत सारे डिडक्शंस और बहुत सारे एग्जम्पशंस पे रिस्ट्रिक्शन है, हम नहीं देंगे तुमको। सर अगर तुम्हें जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने हैं, एलिजिबल हो लेने हैं, तो फिर तुमको पॉइंट नंबर 1 सबसेक्शन 6 की हेल्प से बाहर निकलना पड़ेगा इस सेक्शन से। बाहर नहीं निकलोगे, सबसेक्शन 2 के थ्रू इनकम कंप्यूट होगी, और वहां बोला हुआ है, बहुत सारी लिस्ट दे रखी है कि तुमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ लॉसेस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, हम बाहर नहीं निकले और हमने इनकम कंप्यूट कर ली और हमने काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं क्लेम किए जो वहां लिखे थे कि ये सब क्लेम मत करो, हमने नहीं किए और उसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम कंप्यूट की है। अब तीसरा स्टेप, तुमको अब टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा और उसके लिए रेट कौन सा लेना पड़ेगा, ये तो बंद हो गया, 1A में आके रेट लेना पड़ेगा। ठीक, अब इस यही एक बैकग्राउंड बन रहा है, अब एग्जांपल में चलेंगे, अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से। सबसेक्शन 6 बाहर गए, नहीं, टोटल इनकम कंप्यूट कर ली, सबसेक्शन 2 में जो रिस्ट्रिक्शंस थे डिडक्शन एग्जम्पशंस और लॉस सेट ऑफ के, हाँ सर वो सब नहीं लिया है, डिडक्शन नहीं लिया, एग्जम्पशन नहीं लिया, लॉसेस सेट ऑफ। क्या कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे, कुछ लॉसेस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, कुछ। अब वो कुछ सीखेंगे आज और आगे वाली क्लासेस में। सर स्पेशल रेट्स जो आप पढ़ाए हो क्लास के अंदर अप्लाई होंगे, कुछ स्पेशल रेट जो क्लास के अंदर पढ़े हैं 111A, 112, 112A, 115BB, 115BB, J, 115BBE, ये सब क्लास के अंदर हमने पढ़ा है ना, इतनी मेहनत करके आए हैं सर, एटसेट्रा लॉन्ग लिस्ट है। सर स्पेशल रेट्स, ये जो स्पेशल रेट्स है ना, ये कहां लिखे हुए हैं? चैप्टर 12 के अंदर, चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्पेशल रेट्स जो टैक्स रेट है, ये कहां लिखे हुए हैं? चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और बताऊं इसका रेंज कहां से कहां तक है, मैं सेक्शन के पूरी लिस्ट नहीं दे रहा, सेक्शन 110 से ये स्टार्ट होता है और सेक्शन 115BBJ तक जाता है, ये पूरा रेंज है स्पेशल रेट्स का। सर इसमें से कुछ रेट्स आप इंटरमीडिएट लेवल पे सीखते हैं और कुछ रेट्स आप फाइनल लेवल पे सीखते हैं। पिछली क्लास में क्या बताया था कि जब AMT का टैक्स निकालते हो 18.5% या 15%, तो वहां ये स्पेशल रेट अप्लाई नहीं होते हैं, बताया था। लेकिन जब हम 115BAC 1A का जो टेबल है 3 लाख 6 लाख वाला, उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे, तो हम स्पेशल रेट अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास स्पेशल रेट वाली इनकम है। क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, सरचार्ज की प्रैक्टिस होगी, मार्जिनल रिलीफ की प्रैक्टिस होगी, 115BAC वाले सरचार्ज और रिलीफ की, रिबेट सिखाऊंगा, रिबेट की प्रैक्टिस होगी, सेस है हमारे पास, AMT अप्लाई नहीं होगा अगर आप 115BAC 1A के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल रहे हैं, AMT अप्लाई नहीं होगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो एज के हिसाब से चेंज होती है 2.5, 3 और 5 सीनियर सिटीजन वाली बात यहां पर नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात सर, अगर इंडिविजुअल मेरा रेसिडेंट हो
या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों में 115 बीएससी अप्लाई होता है। खाली नॉन रेसिडेंट में क्या होगा, तुमको रिबेट लेने के लिए नहीं मिलेगा। 115 बीएससी का जो ये टैक्स स्कीम है, क्या ये इंडिविजुअल में दोनों पर है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट पे? हाँ सर, दोनों पे है। रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, तुमको क्लास के अंदर बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट हो तो 115 बीएडी में जाएगी या 115 बीएई में जाएगी, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर याद हो क्लास के अंदर बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रेसिडेंट हो तो 115 बीएडी बीएई, यहां रेसिडेंट होना जरूरी नहीं, आरएनआर सबको मिलेगा बेनिफिट 115 बीएससी में, सबको सबके लिए है खाली। हाँ अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिबेट, तो रिबेट ऑब्वियस सी बात है, रिबेट के लिए आपका क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल। आपने क्लास में जो सीखा डिफरेंट लेवल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का एज के हिसाब से, यहां एक ही लेवल है, सबको 3 लाख मिलेगा फॉर ऑल, एज नहीं देखते, 2.5 लाख की बात नहीं होती, 5 लाख की बात नहीं होती, आर हो एनआर हो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो टेबल है सबके लिए, 5 लोग इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन इस ईयर से 5 लोग हो गए, ठीक, क्लियर। अब एज के हिसाब से हमने देखा है टेबल चेंज होते हुए, वो यहां पर नहीं है, यहां एक फिक्स टेबल है, मेल फीमेल एज सीनियर सिटीजन हो नहीं हो सब इसी में आएंगे, एक फ्लैट टेबल दिया हुआ है जिसमें से इसको आप क्या कहोगे, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्लास के अंदर बीईएल 3 लाख का, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना 115 बीएससी में, ठीक। एक दूसरा रिबेट को इन्वॉल्व करूंगा तो वहां स्टेटमेंट है 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, कितने तक, 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं देना। और फिर पिछली क्लासेस में क्या पढ़े थे कि अगर स्पेशल रेट्स वाली इनकम हो तो टैक्स देना पड़ेगा, ये जो हम लोग बोलते हैं 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, क्या ये लॉटरी इनकम और गेम इनकम पे काम करेगा, क्लास के अंदर बताया हुआ है। अगर आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जिसपे टैक्स रेट 60% है, क्या काम करेगा ये 3 लाख, नहीं। तो जो हम लोग क्लास में कहते हैं 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, जनरली नॉर्मल इनकम, नॉट स्पेशल रेट वाली इनकम, उसके अलग नियम है। फिर हम लोग पहले पढ़े थे अगर रिबेट का बेनिफिट ले रहे हो तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, यहां पर क्या है, रिबेट का बेनिफिट ले रहे हो तो 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है, उसकी भी बात करेंगे, अब उसी पे तो जा रहे हैं। सर क्या टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के प्रोविजन सेम रहेंगे यहां पे, वो जो क्लास में बताया था टोटल टैक्स में से टीडीएस माइनस कर दो, इनकम अगर टीडीएस कट के मिली है तो ग्रॉसिंग अप करो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आपने अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट बता रखा है, क्या यहां अप्लाई होगा? हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बता रखा है, ये तो रिविजन आपने किया, ठीक। और जो बच्चे यूट्यूब में पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैंने क्या बोला, डिस्क्रिप्शन में जाओ पहले की वीडियो देखो, और या फिर पहले से आपका ये सब पढ़ा हुआ है। क्या आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट जानते हो, स्पेशल रेट के कॉन्सेप्ट जानते हो, सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट जानते हो तभी कंटिन्यू करो, वरना डिस्क्रिप्शन में जाके पुरानी क्लासेस देखो, इस सीरीज की लेक्चर 1 से देखो। सर ये 115 बीएससी का लेक्चर 1 है, टैक्स रेट चैप्टर का लेक्चर 1 ये नहीं है, पीछे क्लासेस हो रखी हैं, बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। सर अब हम इन्हीं सब चीजों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे, एक बैकग्राउंड तैयार है, स्टेप्स। क्या हमने 115 बीएससी सब सेक्शन 6 को यूज करके बाहर निकल गए इस सेक्शन से? नहीं। तो दूसरा, इनकम कंप्यूट करो सब सेक्शन 2 को फॉलो करके, जहां काफी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को लेने में रिस्ट्रिक्शन है। एंड तीसरा, सब सेक्शन 1A में जो टेबल दे रखा है उसको फॉलो करते हुए रेट निकालो, बट सरचार्ज है, रिबेट भी है, सेस भी है, स्पेशल रेट्स भी है, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के जो नॉर्मल प्रोविजन है वो भी है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के कॉन्सेप्ट जो क्लास में सिखाए वो भी है। तभी तो कहा था आपको कि जितना पढ़ाया सब रिवाइज कर लो, सब काम आने वाला है। तो जब इसको भी एक एक करके तोड़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट खुलेंगे, एक एक करके आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले लिखो इसको, यहां तक तो लिख चुके थे, ये एक ओवरव्यू दिया कि देखो कितने मेजर अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के कारण सेक्शन 115 बीएसी में। तो इसीलिए सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, पूरी चीज डिटेल्ड में पढ़ो जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। और ये स्टेप्स हो गए आपके अबाउट 115 बीएसी।
डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन। चलिए सर, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, बेसिकली अब क्या हमारा काम है, हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके अब कॉन्सेप्ट को सामने में लेके आएंगे। टैक्स कॉम्प्यूटेशन है, उसको सीखेंगे नया टेबल के हिसाब से, उसके बाद रिबेट के कॉन्सेप्ट को, सरचार्ज के कॉन्सेप्ट को, मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट को, स्पेशल रेट वाली इनकम है तो क्या होगा, किसी इनकम पर टीडीएस कटा है तो क्या होगा, मतलब वही पुरानी सारी चीजें अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे, बट 115 बीएससी को ध्यान में रखते हुए। यानी अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन जितने भी क्लास में कर रहे थे उसमें क्या एजम्पशन था, यू हैव शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएससी, अब क्या है, यू आर कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 115 बीएससी, यू हैव नॉट शिफ्टेड आउट। और फिर धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, अब हम लोग यहां आते हैं, इसमें क्या बताया, ये हटाते हैं, 115 बीएससी सेक्शन है, सेक्शन कौन सा चल रहा है, 115 बीएससी, और लेटेस्ट सेक्शन जो अमेंड हुआ है उसका डिस्कशन चल रहा है। सर यहां पर क्या बता रहा था कि ये लिख लो आप, ये सेक्शन 115 बीएससी का टेबल है जो बंद हुआ, 115 बीएसी सब सेक्शन 1 का टेबल है जो अब सब सेक्शन इस असेसमेंट ईयर से बंद हो गया। ठीक, यहां मैंने क्या बताया, तो यहां मैंने बताया एक मेजर चीज, यहां पर बताया कि 25% वाला लेवल अब हमारे पास नहीं है, 5, 10, 15, 20 से सीधा 30 है। एक यहां पर क्या बताया, 2.5 लाख वाला लेवल नहीं है, 5 लाख वाला लेवल नहीं है, एज हम लोग नहीं देखते, और क्या बताया, आर हो या एनआर सेम, और ये टेबल का जो रेट है कहां से आ रहा है, सेक्शन 115 बीएसी 1A से आ रहा है। ठीक, आर हो या एनआर सबके लिए है, और 5 एसएससीज, कब ये टेबल कब लगेगा, इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएसी, बीएसी से आप बाहर नहीं निकल रहे तब इस टेबल पे आएंगे। इस टेबल पे ये स्लैब रेट है, नया स्लैब रेट है जो अब आपको अप्लाई करना है, जो आपने क्लास में सीखा वो भी, और इसको दोनों को ध्यान में रखना है। जो क्लास में आपने सीखा वो क्या था, एक स्लैब रेट सीखा आपने अप टू 2.5 लाख तक टैक्स जीरो, उसके बाद के नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। तो यहां अबव 10 लाख नहीं, क्या है, अबव 15 लाख, 15 लाख के ऊपर 30%। तो सर इस स्लैब रेट से जब तुम टैक्स कंप्यूट करोगे तो तुम्हारा ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम होगा। ये जो नया टेबल है ये कंसेशनल रेट है, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कंसेशनल रेट। सर इस रेट को आप कंसेशनल रेट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो पहले सीखा आपने उसमें 5 के बाद सीधा 20 था, और फिर 10 लाख के ऊपर 30% था। अगर उस टेबल से इस टेबल को कंपेयर करो तो इसमें 15 लाख पर जो टैक्स लायबिलिटी निकालोगे उस टेबल से जो आपने पहले सीखा हुआ है पेज नंबर 2.1 पे, और जो इस टेबल से निकालोगे तो इसमें टैक्स रेट कम आएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक नुकसान है, क्या, ये लॉन्ग लिस्ट दे रखी है, ये लॉन्ग लिस्ट है कि आपको यहां पर नीचे दिए हुए बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जब नीचे दिए हुए बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जब तुम ये सब बेनिफिट्स जो यहां दिए हुए, अगले पेज तक ये लिस्ट जा रही है, मैंने सेक्शन का कौन सी चीज पर है वो सेक्शन, और वो हम लोग आगे किस चैप्टर में पढ़ेंगे का रेफरेंस दिया हुआ है फॉर इजी रेफरेंस। काफी सारे सेक्शंस जो अलग अलग एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को देते हैं अलग अलग चैप्टर में, ये मैंने अपनी तरफ से हिंट दिया है आपको, एसएटीसी हिंट, जो आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सैलरी में, क्लबिंग में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी के अंदर, क्लबिंग के अंदर, सर सेक्शंस इन सब का बेनिफिट तुमको मना है। ठीक, अब मना है इन सब का बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस मना है तो तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ रही है और टैक्स रेट घटावा दिया है, तो ओवरऑल जो नई गवर्नमेंट है क्या चाह रही है, तुम्हारी बेनिफिट्स तुम मत लो। मैंने पहले भी क्लास में कहा है, ये जो नई गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट चल रही है, वो क्या चाहती है,
लोग चिल्ला रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे कि रिबेट के लेवल को चेंज करो, बेनिफिट्स दो टैक्स में, स्लैब रेट्स को चेंज करो, एटीसी की लिमिट को बढ़ाओ, 1,50,000 पे रोके हुए हो। क्लास में बताया सेक्शन 80C की लिमिट है 1,50,000, लोग चिल्ला रहे थे उस लिमिट को बढ़ाओ, 2 लाख करो, 2.5 लाख करो। रिबेट का लेवल है 5 लाख तक 12,500, उसको चेंज करो, बढ़ाओ उसको, बढ़ाओ 6 लाख तक रिबेट दो। ऐसे करके गवर्नमेंट पे प्रेशर था, सर हम लोग पहले पढ़े 2.5, 3 लाख, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, उसके बाद 5% देना है 5 लाख तक, 20% देना है 10 लाख तक। लोगों ने कहा इसको चेंज करो, तो गवर्नमेंट ने वहां कोई छेड़छाड़ नहीं की, उसकी जगह तुमको बोला 115 BAC में आ जाओ, यहां सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी तुमको एक बात माननी पड़ेगी, तुमको हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं देना चाहते। एक हाथ से बेनिफिट लो और दूसरे हाथ से बेनिफिट कुछ वापस करो, मतलब टैक्स रेट में बेनिफिट चाहते हो तो ले लो, टोटल इनकम की कॉम्प्यूटेशन में कुछ बेनिफिट्स तुमको फॉरगो करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का बैलेंस कर रखा है गवर्नमेंट ने यहां पे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट लेके आई थी कंपनी का सेक्शन लेके आई थी 115BA, जो अब एक तरह से रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद 2019 में मैंने बताया है क्लास में, 2019 में लेके आई 115BAA और BAB जब दूसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म करी। उसके बाद ठीक अगले साल 2020 में ये वाला सेक्शन लेके आई, जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि भाई कंपनी के लिए तो तुमने 22% का सेक्शन ला दिया, कंपनी के लिए तुमने 15% का सेक्शन ला दिया। जो 2019 में दूसरी बार गवर्नमेंट बनी तो टैक्स रेट को, मैट के रेट को कंपनी पे कम किया गया, 15% पे लाया गया, कंपनी के लिए दो दो सेक्शन लाए गए, तो इंडिविजुअल बोला हमें क्या मिला, हमने वोट दिया है तुम्हें, हमें क्या मिला। तो फिर बजट 2020 में इनके लिए ये स्कीम लाई गई कि सुनो तुमको टैक्स रेट कम रखना है, लो ये वाला रेट लो, लेकिन तुमको कुछ बेनिफिट्स, कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस नहीं देंगे। ये एक गेम हो गया, सर बेनिफिट्स लेना है लो, लो ये वाला टेबल, लो ये वाला रेट, लेकिन तुमको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन नहीं देंगे। तो एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं देने से क्या होगा, इनकम बढ़ गई। ओवरऑल मिला जुला इंपैक्ट है, फ्यूचर इसका क्या है, गवर्नमेंट इसको फ्यूचर में ही कंटिन्यू इसी को करना चाहती है, इसीलिए इस साल से गवर्नमेंट ने इसको क्या बना दिया, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। गवर्नमेंट को एटीसी में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, गवर्नमेंट जो भी चेंजेस करना चाहती है, तुम अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालोगे कि सर हमें टैक्स में कुछ फायदा दीजिए, हमें टैक्स बहुत लग रहा है, तो गवर्नमेंट इसी सेक्शन में अब छेड़छाड़ करेगी जो करेगी। गवर्नमेंट इस सेक्शन को मेन में रखना चाहती है, इसीलिए इस साल से इसको क्या बना दिया, डिफॉल्ट। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट्स देना है इंडिविजुअल एट लार्ज, तो गवर्नमेंट इसी में छेड़छाड़ करेगी। जैसे 2.5 लाख के जगह 3 लाख का बेनिफिट दी, सरचार्ज का एक लेवल कम कर दी, 37% हटा दी, जैसे बोली कि सैलरी का 50,000 का बेनिफिट लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले नहीं देते थे अब देंगे। तो फ्यूचर में आने वाले बजट में भी अगर तुम्हें सुनने को मिला कि गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल के लिए यह बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया है, तो समझ जाना कि सेक्शन 115BAC के अंदर ही कोई चेंज हुआ है, ऐसा है ये सेक्शन। अ फेवरेट सेक्शन, अ पेट प्रोजेक्ट ऑफ मोदी गवर्नमेंट तुम इसको कह सकते हो। हां अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर अलग बात है, वरना ये जो सीरीज आप पढ़ रहे हो क्लास में जो आ रहा है रेफरेंस में, ये सब ये मोदी गवर्नमेंट का दिमाग लगाया हुआ है, अच्छा खराब ये इन्हीं का दिमाग लगाया हुआ है। सेक्शन जो कंपनी के सेक्शन है क्लास में बताया हुआ है तुमको, ठीक है। अब बाय चांस ये जो रनिंग गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, फिर वो अलग जो गवर्नमेंट होगी वो अलग कुछ लेके आएगी, ये अलग किए ना वो भी अलग करेगी। चलिए सर एक बार वीडियो रोक के यहां पर इसको पढ़िए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसमें मैं सरचार्ज ऐड करूंगा, फिर रिबेट ऐड करूंगा, स्पेशल रेट को ऐड करूंगा। एक बार आप देख लीजिए और चाहो तो एक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 3 लाख पे 5%, 15,000 जैसे आप लोग पहले करते थे, यहां भी 3 लाख है 10%, 30,000 यहां भी डिफरेंस 3 लाख का है 45,000 यहां भी डिफरेंस 3 लाख का है, कुछ ऐसी दिमाग लगाने वाली स्कीम यहां पर आप लगा सकते हो।
ये चीज नीचे वाली नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-25 एग्जाम 2024 में जिन बच्चों का है मई जून नवंबर दिसंबर उनको ये नहीं पढ़ना है। ठीक, ये वाला नीचे वाला टेबल जो है 2.557 और यहां पर जो रेट है 6 रेट, ये नहीं पढ़ने हैं आपको, है ना। डन, नीचे वाली बात लिख ली। दिस टेबल इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-25, अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये टेबल आपको नहीं पढ़ना है। जस्ट जानो कि सब सेक्शन 1 में जो टेबल था वो अब एप्लीकेबल नहीं है, अब हमें इस पे ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें मैंने यहां बताई, एक बार वीडियो रोक के इसको पढ़ो, हम लोग इसको फिर रीड करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फिर मैंने क्या कहा, उस क्वेश्चन में धीरे धीरे लेवल मिक्स करूंगा, रिबेट का, सरचार्ज का, रिलीफ का, स्पेशल रेट का, टीडीएस का, अपने आप हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा। फटाफट एक ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, वीडियो रोको, लिखो, इसको रीड भी करो और एक ब्रेक भी ले लो 5-10 मिनट का। चलिए सर डिस्कस कर लें, आई होप आप बच्चों ने ब्रेक ले लिया, इसको लिख लिया। कहता है इंडिविजुअल HUF और AOPs, लेकिन कॉपरेटिव सोसाइटी को हटा के, अदर देन कॉपरेटिव सोसाइटीज, BOIs बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कैन पे टैक्स एट कंसेशनल रेट्स। अब कंसेशनल रेट्स क्यों है वो मैंने उसका रीजन बताया कि यहां पर 5% के बाद सीधा 20% नहीं है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, और इनफैक्ट 30% का जो लेवल है वो भी 15 लाख के ऊपर है। ओवरऑल आपने जो पहले टैक्स रेट पढ़ा हुआ है, ये वाला पेज नंबर 2.1 पे जो पहले टैक्स रेट पढ़ा हुआ है ये वाला, अगर आप इस स्लैब रेट को देखो, ये जो 5% 20% और 30% वाला स्लैब रेट है, अगर इसको देखो और उससे इस टेबल को कंपेयर करो तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर इनकम का लेवल सेम है तो टैक्स रेट कम ही आएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम ऑफ सेक्शन 115 BAC। प्लीज डिफॉल्ट बोलना है इसको, अब ऑल्टरनेटिव नहीं बोलना है। ठीक, हाउएवर ही और इट हैज टू फॉरगो सर्टेन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अंडर दिस रिजिम। अगर आपने ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिया तो आपको कुछ, सभी नहीं, कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शन फॉरगो करने पड़ेंगे। अब ये लिस्ट कहां लिखी हुई है, सब सेक्शन 2 में। ऑल्टरनेटिवली अब तुम इससे बचना चाहते हो, नहीं सर मैं इसमें नहीं आना चाहता, तो तुमको शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, नई लैंग्वेज वही लिखा हुआ है। ऑल्टरनेटिवली दे कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट। पिछले साल तक, पिछले बैच में ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है भाई, अमेंडमेंट जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्लास के अंदर, शिफ्ट आउट द ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड पे। अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर निकलेंगे तो कहां जाएंगे, नॉर्मल और रेगुलर प्रोविजन में। तो वही लिखा हुआ है टू पे अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजिम। जो पिछले साल तक ऑप्शनल था वो डिफॉल्ट हो गया, और राइट, और जो पिछले साल तक डिफॉल्ट था वो अब से ऑप्शनल हो गया। अब तुम जब 115 BAC के डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आओगे तो वो ऑप्शनल है, क्योंकि वहां ऑप्शन है बाहर आने का, तो ऑप्शनल टैक्स रिजिम। अब ये है क्या सर, नॉर्मल प्रोविजन, रेगुलर प्रोविजन, एज पर द रेगुलर प्रोविजंस एट द रेट स्पेसिफाइड इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैंने क्या बोला, तुम अगर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम से बाहर निकलते हो तो रेगुलर प्रोविजन में जाओगे और वहां फाइनेंस एक्ट के रेट लगेंगे। यही तो बोला आपको, बार बार यही कह रहा हूं सर, 115 BAC सबसेक्शन 1 में है हम लोग, और वहां कंसेशनल टैक्स रेट क्या है, स्लैब रेट क्या है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। जो 115 BAC 6 को ऑप्ट करके बाहर नहीं गए हैं, क्या मैंने बोला था आपको, दो तीन सबसेक्शन याद करने पड़ेंगे। 1A में क्या आएगा, रेट्स, सबसेक्शन 1A में क्या आएगा, रेट्स। हम जो इनकम को कंप्यूट करेंगे टू और कुछ सर्टेन बेनिफिट्स और एग्जम्पशंस नहीं देंगे, वो सबसेक्शन 2 में। अच्छा, तुमको इस स्कीम से बाहर निकलना है तो सबसेक्शन 6। तो ये क्या बोलता है, अदर देन दोज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस रिजिम अंडर सेक्शन B 115 BAC 6,
जो लोग बाहर निकल गए हैं 115BAC6 में जो ऑप्शन मिला उसको यूज करके इस स्कीम से बाहर निकल गए हैं, उन पर यह रेट अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, एक क्लियर। सर कहता है हैज टू पे द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम, तुमको अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा, किस रेट से, एट द फॉलोइंग कंसेशनल रेट बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 115BAC2, यानी एग्जम्पशंस और डिडक्शन ना लेके उसके बाद इनकम कंप्यूट करना और फिर इस रेट पे अप्लाई करना। बट अब देखिए यहां पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट अंडर चैप्टर 12। मैंने क्या बोला, चैप्टर 12 में सेक्शन का रेंज आपको लिख के दिया, सेक्शन 111 से स्टार्ट होता है और 115 समथिंग तक जाता है, उसी में ये सारे हैं जो आपने क्लास में पढ़े वो यहां पर मेंशन है। सर क्लास में जो पढ़े जो नहीं पढ़े सब उसी के अंदर मेंशन है। और मैंने क्या बोला, स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल है अगर आप 115BAC में कंटिन्यू रहते हैं, और वही बात यहां लिखी हुई है, हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये मैंने शायद आपको अभी बता दिया ब्रेक से पहले कि भाई पहले 3 लाख रुपए तक टैक्स निल है, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल HUF EOP ब्यू आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, एज का कोई चक्कर नहीं है। ठीक, RNR का कोई चक्कर यहां नहीं है। हाँ, रिबेट नहीं मिलेगा जो अभी पढ़ेंगे इसको इसके साथ। फिर अब 3-3 लाख का एक पैकेट बनेगा, हर 3 लाख पे रेट चेंज होगा। तो पहले 3 लाख पे निल, उसके बाद के 3 लाख से 3 लाख और जाओ 6 लाख तक 5%। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3 लाख का 5%, यानी 6 लाख की इनकम हो तो 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा आपका। पहले 3 लाख पर निल है और उसके बाद के 3 लाख पर 5%। सर जैसे पहले स्लैब रेट सीखे, क्लास में आपने ये सारे स्लैब रेट सीखे हुए हैं मेरे से, राइट। आपने सोसाइटी पे भी स्लैब रेट मेरे से सीखा हुआ है, क्लास के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये स्लैब रेट डिस्कस हो चुका है। तो अब आपको इजी है स्लैब रेट लगाना। जो 0 से 3 लाख का फिगर है, पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद के अगले 3 लाख रुपए पे 5%, फिर उसके बाद अगले 3 लाख रुपए पे 10%, फिर उसके बाद अगले 3 लाख रुपए पे 15%, फिर उसके बाद अगले 3 लाख, तो 3-3 लाख करके कहां पहुंच गए 15, तो इधर पहुंच गए 20%। क्या बोला, 15 लाख के ऊपर है डायरेक्ट कितना 30%। सर पिछले साल तक ये जो रेंज था ये 2.5 लाख का मल्टीपल था, हर बार टैक्स बढ़ता था 12,500, डिफरेंस कितना था 2,50,000 और रेट कितना था 5%। तो बच्चों को मैंने शॉर्टकट बोला हुआ था कि 12,500 से टैक्स बढ़ाते रहना, अब तुमको 15,000 से टैक्स बढ़ाना होगा। देखिए 15, 30, 45, 60, बहुत इजी है सर। 5-5% से रेट बढ़ाना और टैक्स बढ़ाना 15,000 रुपए से, 15 लाख के ऊपर फिर जितने भी होंगे सब पे 30%, 25 का चक्कर ही नहीं है अब। और फिर अब इसी के बाद सरचार्ज, अब मान लो तुम 50 लाख के ऊपर पहुंच गए तो फिर सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गए तो सरचार्ज, 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गए तो सरचार्ज, 5 करोड़ का यहां लेवल नहीं है तो सर सरचार्ज में चल लेते हैं। ये टैक्स रेट की बात हुई, स्पेशल रेट को मिक्स करेंगे, रिबेट को मिक्स करेंगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, सब डिस्कस करेंगे, 2 क्लास रखी है ना, ये सब सारा डिस्कशन करेंगे। आज टैक्स कॉम्प्यूटेशन की प्रैक्टिस होगी। देखो कॉन्सेप्ट हमने एक बेस बना लिया, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो गया पिछले 1 घंटे में, अच्छे से डिटेल्ड में समझाया है। अब इसी चीज को रिवीजन में 10 मिनट में भी समझाया जा सकता है। देखो जो चीज मैंने पिछले 1 घंटे में समझाई है, इसी चीज को आगे रिवीजन करो तो मात्र 10 मिनट की चीज है और उसकी भी जरूरत नहीं, अब तो तुम्हारे जहन में मैंने बैठा दिया। और बेस्ट पार्ट क्या है, आज आप पहली बार ये सब नहीं सुन रहे, आज पिछले 1 घंटे में एक ही बात को 3-4 बार मैंने समझाया है अलग अलग तरीके से, उसके अलावा पहले भी क्लासेस में आपके बैकग्राउंड बनते आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि एकाएक आज की क्लास स्टार्ट हुई और आपके सामने 115BAC आ गया, ऐसा नहीं है। सर 2.12 पेज पर इसका अपना अवसर चार्ज का लेवल आ चुका है जो पहले जैसा ही है। आप 115BAC में हैं, ठीक, वही 5 लोग इंडिविजुअल HUF EOP ब्यू आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, 115BAC 1A के अंदर आप उस स्लैब रेट जो अभी अभी पढ़ा उस पर टैक्स दे रहे हैं, तो वही सेम चीज, डिट्टो सेम चीज है, खाली क्या है ये अमेंडमेंट है कि जो 37% वाला लेवल आपने पढ़ा है वो अप्लीकेबल नहीं है, यानी 5 करोड़ वाला लेवल ही नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ वाला लेवल है। एक 50 लाख का लेवल, दूसरा 1 करोड़ वाला लेवल, 50 लाख से अधिक
अप टू 1 करोड़ तक, उसके बाद अप टू 2 करोड़ और फिर 2 करोड़ से अधिक। ठीक, जैसे हम लोग पीछे बहुत डिटेल डिस्कशन किए हैं लास्ट 2 क्लास में, कि ये पिछली क्लास में इनफैक्ट, कि अगर आपके पास डिविडेंड की इनकम है और या फिर इस 3 सेक्शन से कैपिटल गेन का इनकम है तो इस पे 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं होगा। पिछली क्लास में डिटेल्ड प्रैक्टिस की है हमने इस चीज की, लास्ट क्लास में एएमटी और लास्ट क्लास में ही सरचार्ज का, जो ये स्पेशल रेट वाली इनकम है आपके पास, कैपिटल गेन 111A, कैपिटल गेन 112, कैपिटल गेन 112A, या फिर आपके पास डिविडेंड की इनकम हो, तो कैसे आपको सरचार्ज को 25 नहीं 15 पे रोकना है। हमने तो सारी एनालिसिस कर ली है सर, 10 15 25 37 ये चारों सीखा हुआ है, खाली क्या फर्क है, यहां 5 करोड़ का लेवल नहीं है, यहां 37% का सरचार्ज नहीं है, बाकी सेम टू सेम जैसे पढ़े थे वैसे ही। और आज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मान लो आप पहली बार मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, तो ये चीज के बारे में पिछली क्लास में पूरा समझा रखा है मैंने कि किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो ये जो 4 तरह की इनकम है इस पर आप टैक्स रेट निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद सरचार्ज को कैसे 15% पे रोकेंगे, वही सारी बातें सेम एज इट इज यहां एप्लीकेबल है, सिर्फ 37% और 5 करोड़ का लेवल गायब है। अभी एग्जाम्पल कर लेंगे। बाकी यहां छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, जिसको एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ बाद में रेफर हो जाएगा कि ये चीज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे, ये चीज हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके कुछ बातें जो अभी बताने की इसमें बताऊंगा कुछ बातें होल्ड हो जाएंगी, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो, तुमने पिछली क्लास में एएमटी कंप्यूट करना सीख लिया, राइट, लेकिन अभी तक तुमको 35 ईडी के बारे में नहीं पता, 10AA के बारे में नहीं पता और इनकम बेस्ड डिडक्शन के बारे में नहीं पता, राइट, बट यू नो कि 3 तरह के बेनिफिट्स हैं, एएमटी के प्रोविजन लग सकते हैं और तुमने एएमटी भी कैलकुलेट कर लिया, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, थोड़ा आज थोड़ा अगली क्लास में। फिलहाल हम लोग वापस इस चार्ट में आ गए हैं, सेस का यहां डिस्कशन नहीं किया है मैंने, सरचार्ज में एक चेंजेज है, सेस वैसा का वैसा ही है। रिबेट में चलते हैं, एक बार हम लोग रिबेट में चलते हैं, पीछे जो छोड़ के आ रहे हैं सर, ये वाला रिबेट आपका हो गया है कंप्लीट। 3 कंडीशन है, रेसिडेंट, इंडिविजुअल और आपकी टोटल इनकम 5 लाख और उससे कम होनी चाहिए तो यू आर एलिजिबल फॉर रिबेट, ये डिस्कशन हो गया है। फिर हमने ये भी डिस्कशन किया है कि रिबेट को सेस के पहले लेना है, और ये भी डिस्कशन हो गया है कि 112A वाली इनकम से रिलेटेड टैक्स पे रिबेट नहीं लेते हैं, ठीक है। और क्लास में खूब सारी प्रैक्टिस कर ली हमने रिबेट की, कि रिबेट को आप कैसे 112 वाले टैक्स से माइनस करेंगे, रिबेट को आप कैसे 111A वाले टैक्स से माइनस करेंगे, 5 लाख की इनकम के अंदर अगर स्पेशल रेट वाली इनकम है तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, रिबेट को कैसे माइनस करेंगे, ये सारी बातें हो गई। 115BAC में आप नहीं थे, आप नॉर्मल प्रोविजन को फॉलो कर रहे थे, यू हैव शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115BAC, डिस्कस हो गया। अब यू आर इन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115BAC, तो फिर आपको क्या देखना है भाई, आपको क्या देखना है, आप रेसिडेंट है या नहीं, आप इंडिविजुअल है या नहीं, उसके अलावा आपको 5 लाख की जगह क्या देखना है, 7 लाख रुपए। और आप पहले क्या पढ़ते हैं, पढ़ते थे, देखो पहले मतलब उसको भी ध्यान रखना है, आपने पहले क्या पढ़ा, 12,500, अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, 25,000 रुपए तक का रिबेट आपको मिल जाएगा। सेक्शन 115BAC में अगर है तो आपको 5 लाख नहीं 7 लाख रुपए तक का रिबेट, 7 लाख रुपए तक के टोटल इनकम पे रिबेट मिलेगा, और रिबेट 12,500 नहीं 25,000 तक का मिलेगा। सर दोनों ध्यान रखना है हमें एग्जाम के लिए, हाँ ऊपर वाला कब अप्लाई करेंगे, जब आप 115BAC से शिफ्ट आउट कर जाते हैं, और ये 25,000 और 7 लाख वाला जब आप 115BAC में रहते हैं। अब इस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 लाख की जगह 7 लाख और 12,500 12,500 की जगह 25,000 रुपीज बस। और रिबेट का कॉन्सेप्ट वही है कि रिबेट के कारण आपका टैक्स जीरो हो जाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, वो वैसा ही कॉन्सेप्ट है सर। ये आप हर जगह अप्लाई करो, चाहे आप 115BAC में हो या नहीं हो सर, एप्लीकेबल इन बोथ रिजिम, यानी आप 115BAC में हो या नहीं हो, आपको 112A से रिलेटेड टैक्स पे रिबेट नहीं मिलेगा
रिबेट से इसके पहले लेना है। अब ये एक ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, रिलेटेड टू टैक्स इन रिबेट इसको बोलते हैं। जैसे आपने सीखा हुआ मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, 1 करोड़ की इनकम पर, 50 लाख की इनकम पर, 10 करोड़ की इनकम पर, वैसे ही रिबेट के अंदर एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है। रिबेट ही, लेकिन इसको कॉमनली बोला जा रहा है कि एक मार्जिनल रिलीफ आया है रिबेट से रिलेटेड। हालांकि ये रिबेट ही है, लेकिन इसको नाम दिया गया, अरे ये मार्जिनल रिलीफ इसको कहेंगे। जैसे हम लोग सरचार्ज की कैलकुलेशन करते समय 1 करोड़ 1 लाख पर, 50 लाख 50 हजार पे एक रिलीफ की कैलकुलेशन करते हैं, वैसे यहां भी गवर्नमेंट ने रिबेट के अंदर रिलीफ दिया है। जब आप माइनस करोगे ना टोटल टैक्स में से, तो रिबेट ही कहेंगे आप इसको। अब ये क्या है? तो सर, जब आपकी टोटल इनकम 7 लाख और उससे कम रहती है, तब तो पहले नंबर पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, ठीक, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर जाती है, से 7 लाख 5 हजार, से 7 लाख 10 हजार, तो आपको ये पॉइंट नंबर 2 अप्लाई होगा। सर, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये कब अप्लाई होगा? जब आपकी टोटल इनकम 7 लाख और उससे कम हो, ठीक है। ऊपर में क्या पढ़े, ऊपर में यहां क्या पढ़े कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो रिबेट ले लो। वहां कोई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। सर, जो ये सेकंड पॉइंट है, ऑल टुगेदर नया कॉन्सेप्ट है, ये कब अप्लाई होगा? जब आप 115 BAC में रहेंगे और जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा होगी। से आपकी टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख 5 हजार। या फिर से आपकी टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख 10 हजार। या फिर से आपकी टोटल इनकम कितनी है? 7 लाख 27 हजार। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने, आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। सर, एक तो अगर आपकी इनकम, आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है, तो आप इलिजिबल हैं 115 BAC के अंदर अपने टैक्स से रिबेट लेने के लिए। यू कैन ऑलवेज क्लेम रिबेट अप टू टोटल इनकम ऑफ ₹7 लाख इन सेक्शन 115 BAC, ठीक। रिबेट का अमाउंट 12,500। क्लियर, ये साइड कर देते हैं। अब ये दूसरी स्कीम क्या है? ये स्कीम कब अप्लाई होगी? जब आप 115 BAC के अंदर हैं। और कब अप्लाई होगी? जब आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 7 लाख 5 हजार, या से 7 लाख 10 हजार, और या फिर से 7 लाख 27 हजार। इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है 7,27,770 तक ये काम करता है। 7,27,770 तक ये काम करता है, इसकी एक लिमिट है। उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, जो भी मैं बताने जा रहा हूं। 7,27,770 तक ये काम करेगा। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, 7,05,000, 7,10,000, 7,27,000। बहुत सिंपल कहता है, ये भी एक तरह का रिबेट ही है, ये भी एक तरह का रिबेट ही है, जो कब मिलेगा? जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए के ऊपर रहेगी। बोलता है पहला स्टेप, आपकी क्या टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? तो मान लो हमारी टोटल इनकम कितनी है? 7,05,000, ठीक। तो स्टेप 1, मेरी इनकम 7 लाख रुपए से कितनी ज्यादा है? तो सर 5,000 ज्यादा है। ये हो गया स्टेप 1, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब स्टेप 2, ध्यान से देखो। स्टेप 2 बहुत सिंपल है, बी। अब कहता है स्टेप 2, तुम टैक्स निकाल लो अपनी टोटल इनकम जो गिवन है, यानी टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹7,05,000 पे टैक्स निकाल लो, ठीक है। फिर स्टेप थ्री, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, होगा ही होगा। 7,05,000 का टैक्स ये लो अभी निकाल लेते हैं, पहले 3 लाख रुपए पे निल, उसके बाद के 3 लाख रुपए पे 5%, और फिर 6 लाख हो गया। 6 लाख के बाद और कितना है? 1,05,000 इंटू 10%, तो 15 और 10,500, ये हो गया 25,500। तो नेचुरल सी बात है सर, 7 लाख रुपए से ज्यादा कितनी इनकम है? मात्र 5,000।
लेकिन 7,05,000 पे कितना आपका टैक्स बन रहा है? 25,500। तो ऑब्वियस सी बात है, बी अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए से, है सर है। तो गवर्नमेंट बोलती है हम तुम्हें यहां फिर से रिबेट देंगे, और वो रिबेट का अमाउंट होगा तुम्हारा जो टैक्स है 25,500 और जो तुम्हारी इनकम है उसका डिफरेंस, यानी बी माइनस ए का डिफरेंस कितना? 20,500। सर ये रिबेट क्यों देना चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का कहना है कि 7 लाख रुपए तक तुम्हारा टैक्स हो गया जीरो बिकॉज ऑफ दिस। सर ये जो पहला फंड है ना, ये वाला पहला पॉइंट, इसमें अगर तुम निकालोगे टोटल इनकम 7 लाख रुपए तो तुम्हारा टैक्स आएगा निल। अभी करेंगे प्रैक्टिस। एग्जैक्ट तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए है, एग्जैक्ट 7 लाख, तो पहले 3 लाख तक जीरो, उसके बाद के 3 लाख रुपए पे 5% कितना हो गया? 15,000। फिर बचेगा 1 लाख, 1 लाख पे 10% कितना? 10,000। 10 और 15 कितना? 25,000 का रिबेट है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम्हारी टोटल इनकम एग्जैक्ट 7 लाख रुपए है तो टैक्स जीरो। अब तुम्हारा अगर टोटल इनकम कितना बढ़ा है? 5,000 से। टोटल इनकम इंक्रीज कितने से हुआ है? 5,000 से। तो गवर्नमेंट बोलती है टैक्स भी तुम्हारा इंक्रीज मात्र कितने से होना चाहिए? 5,000 से। कैसे? सर देखो टैक्स तुम्हारा कितना हो रहा था? 25,500, और तुमने उस पर रिबेट ले लिया कितना? 20,500। 25,500 माइनस 20,500, ये जो रिबेट दे रही है गवर्नमेंट नए तरीके से 7 लाख के ऊपर, बोलती है तुम्हारा 7 लाख से जितना इनकम बढ़ा है उतना ही तुम्हारा टैक्स बढ़ना चाहिए। तो 7 लाख पे टैक्स था जीरो, तो 7,05,000 पे कितना होना चाहिए? 5,000, क्योंकि इनकम 5,000 से बढ़ी है। लेकिन 5,000 तो हो ही नहीं रहा है, कितना हो रहा है? 25,500। अगर हम स्लैब रेट लगाते हैं इस पे, तो स्लैब रेट लगाते हैं एज पर सेक्शन 115 BAC 1A। अभी फॉर्मेट करा दूंगा, डोंट वरी। पहले 3 लाख पर निल, उसके बाद के 3 लाख पे 5%, और फिर 1,05,000 पे 10%। तो टैक्स तो आ गया 25,500, इनकम एक्स्ट्रा हुई है 5,000 ही, तो फिर डिफरेंस, डिफरेंस टैक्स और एक्सेस इनकम का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा रिबेट। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल। और एक मैंने करा दिया, ये वाला करा दिया, टोटल इनकम तुम्हारा अगर 7,05,000 है तो क्या होगा? सर बातों ही बातों में हमारा ये जो डिस्कशन है अभी, बातों ही बातों में आपके साथ हमने ये पेज कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 2.8 पे क्या हमने पढ़ा? कि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, इससे बाहर निकलोगे तो नॉर्मल प्रोविजन में जाओगे। ठीक है, बहुत बार क्लास में बात हो गई। इनकम हमारे तरीके से कंप्यूट करना, जिसमें कुछ हम डिडक्शन कुछ एग्जम्पशन नहीं देंगे, उसके अलावा ये वाला टेबल लगेगा। ठीक, ये वाला टेबल लगाते समय अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज का टेबल लगा देना, और अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो रिबेट लगा देना, पहला नंबर वाला। और अगर तुम्हारी इनकम 7,05,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 27,000, 770 तक है तो पॉइंट नंबर 2 में आके रिबेट ले लेना। पॉइंट नंबर 2 का फंडा क्या है? ये एक तरह से टैक्स में एक तरह से मार्जिनल रिलीफ दे रही है। एक तो है सरचार्ज के कारण, एक होता है सरचार्ज के कारण रिलीफ लेना, वो सीख चुके। यह है टैक्स में रिलीफ, और वो रिलीफ के बेसिकली क्या है? रिबेट, रिबेट कैलकुलेशन करने का एक तरीका। गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का क्या कहना है? 7 लाख पे टैक्स जीरो है, तो इनकम अगर 7,05,000 है तो टैक्स 5,000। अरे जितनी एक्स्ट्रा इनकम है वो ले लो, उससे ज्यादा क्यों ले रहे हो? अब 7,05,000 पे स्लैब रेट लगाते हैं तो आ रहा है कितना? 25,500, और एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई है? सिर्फ 5,000, तो डिफरेंस रिबेट। बहुत सिंपल है। तो तुम्हारा जो ये पेज इतने दिनों से बचा हुआ था ये हो गया, हमारा 2.4 भी हो गया, 2.8 भी हो गया। अब है प्रैक्टिस, अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे हम। 7 लाख वाली भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपकी इनकम 6,50,000 है तो कैसे निकालोगे, अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो कैसे निकालोगे, ये सब भी करेंगे। स्पेशल रेट वाली इनकम है तो क्या होगा? आपको पहले ये वाला पोर्शन मैं करा रहा हूं, एक इसमें से करा दिया 7,05,000 वाला, अभी और एक करेंगे 7,10,000 वाला, फिर एक और करेंगे 7,27,000 वाला। लिमिट ध्यान रखना, ये जो पॉइंट नंबर 2 है 7,27,770 तक काम करता है, मींस अगर तुम्हारी इनकम 7,30,000 है तो देर इज नो रिबेट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारी इनकम 7,30,000 रुपीज हो गई
तो नो रिबेट, इसमें कोई तुम्हें रिबेट नहीं मिलेगा। 7,30,000, 7 लाख से कम है तो मिलेगा ही मिलेगा, 7 लाख से ज्यादा पे भी मिलेगा 115 BAC के अंदर। ये चीज यहां नहीं थी, 5 लाख वाले में एक ही स्कीम थी, 5 लाख और उससे कम हो तो रिबेट मिलेगा, 5,05,000 पे रिबेट नहीं था। बट ये नई चीज आई है किसके अंदर, 115 BAC के अंदर, और बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। बस तुम लिख लो, अब मुझे प्रैक्टिस करानी है इसमें। पहले देखो यहां, यहां पहले इधर आते हैं, यहां कुछ लिखना है क्या, वन बाय वन चलते हैं। देखो यहां कुछ लिखना है, डन। देखो यहां कुछ लिखना है, डन। इस पेज में कुछ भी नहीं लिखना है, इस पेज को खाली कर देते हैं। ये हो गया है, ये सब हो गया है ना। चलो सर, अब जो भारी भरकम डिस्कशन था हमारा रिबेट से रिलेटेड, बहुत दिनों से पेंडिंग था, ये हमारा खत्म कर दिया हमने आज। यानी सर, रिबेट 87A के अंदर कोई अमेंडमेंट आई है क्या? हाँ आई है अमेंडमेंट, वो 115 BAC से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो हमने क्या किया, इस अमेंडमेंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले 115 BAC का ही डिस्कशन कर लिया। अभी भी वो डिस्कशन बहुत कुछ बाकी है सर, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है इस वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स पे कर रहे हैं, आप 115 BAC से बाहर निकल चुके हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा ही प्रोविजन है, और क्लास में आपने पढ़ा और ये एग्जाम में आपको तैयार करना है। अब ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर मैंने बोला दो हिस्से हैं, एक इनकम 7 लाख और उससे कम हो तो क्या करना, 25,000 तक का रिबेट ले लेना, और एक सेकंड जहां अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो रही है तो कहता है टैक्स भी उतना ही बढ़ना चाहिए जितना इनकम बढ़ रही है, बाकी डिफरेंस रिबेट ले लो। तो वही अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करा के दिखाया, अभी और प्रैक्टिस कर लेंगे। लिख लो फटाफट इसमें जो लिखना है तुमको। अभी 3 तरीके के क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल 1 हो गया, अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे, फिर एग्जाम्पल 3 करेंगे। प्लीज ध्यान रखना, इस रिबेट के लिए भी रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल होना जरूरी है। ये जो आप रिबेट पढ़ रहे हैं, आप सेक्शन 115 BAC कंटिन्यू कर रहे हैं राइट, और आप रिबेट लेना चाहते हैं, तो लेकिन रिबेट आपको मिलेगा कब, जब आप इंडिविजुअल हैं, और कब, जब आप रेसिडेंट हैं। सर 115 BAC HUF के लिए है, हाँ, बट क्या हम HUF को रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87A? सर नहीं देंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सेक्शन 115 BAC HUF के लिए है, बट क्या हम उसको रिबेट देंगे? नहीं देंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रिबेट लेना है चाहे 115 BAC में जाओ या नहीं जाओ, बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल हो। लिखिए HUF वाली बात भी लिख लीजिए, डन। वीडियो रोक के ऊपर वाला हिस्सा लिख चुके हैं, इसको लिखिए। रिबेट का ट्राई करना है आपको अप टू 7,27,770। ए में 25,000 रुपीज की लिमिट है, बी में कोई लिमिट नहीं है, बी में वर्किंग है, इनकम कितनी ज्यादा है, टैक्स कितना ज्यादा हुआ, क्या कितना हुआ, क्या वो टैक्स इनकम से ज्यादा है, ज्यादा है तो डिफरेंस रिलीफ है, रिबेट, सॉरी रिबेट। बहुत इजी है, बहुत इजी। डन, वीडियो रोक के लिखा, ये लिख लीजिए स्टेप्स, ये एग्जाम्पल 1, अभी एग्जाम्पल 2 करेंगे। टोटल इनकम 7,10,000, 7,10,000। वीडियो रोक के लिखा, रजिस्टर पे लिखना है आपको, ठीक है। अब हमारा क्या है,
7,10,000, तो इसको हटाते हैं। सर हमारी इनकम अब कितनी है? 7,10,000, तो यानी आपका जो टैक्स होना चाहिए ना बिफोर सेस वो 10,000 होना चाहिए रिबेट के बाद, ये मैं बताना चाह रहा हूं। पहले तो सर अगर आपकी इनकम 7,10,000 है तो आपने 7 लाख से एक्स्ट्रा कितनी इनकम है आपके पास? 10,000, तो आपका टैक्स भी 10,000 बनना चाहिए, इसीलिए अब हमें रिबेट लेना होगा। सर क्यों सर सिर्फ 10,000 ही क्यों टैक्स बनना चाहिए? क्योंकि 7 लाख रुपीज पे टैक्स निल आ रहा है अगर आप पहली कैटेगरी में रहोगे तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें यहां मार्जिनल बेनिफिट देंगे, अगर तुम्हारी इनकम जैसे ही 7 लाख से ऊपर जाती है तो तुम्हें खूब सारा टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम तो तुम्हारी बढ़ी है सिर्फ 10,000, तुम्हारी इनकम तो मात्र 10,000 बढ़ी है, हमें तुमसे सिर्फ 10,000 ही टैक्स का चाहिए सेस के पहले। अब कैसे कैसे? तो उसका पहला स्टेप क्या तुम्हारी टोटल इनकम, पहला स्टेप में क्या निकालते हैं? टोटल इनकम में से 7 लाख रुपया माइनस कर देते हैं, तो वो कितना आया? 10,000 रुपीज इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज, इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख। ठीक, अब निकालेंगे टैक्स ऑन रुपीज जो इनकम गिवन है 7,10,000। अब स्लैब रेट 0 से 3 लाख रुपए तक निल, उसके बाद 3 लाख से 6 लाख पे कितना है आपका? 3 लाख का 5% 15,000, उसके बाद 6 लाख से ऊपर तो कितना? 1,10,000 का 10% 11,000 26,000, देना कितना है? 10,000, 16,000 का रिबेट। अच्छा, क्या बी ग्रेटर देन ए है, यानी आपका टैक्स लाइबिलिटी 26,000, क्या आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है 10,000 उससे ज्यादा है? ज्यादा है, हाँ सर। इफ बी ग्रेटर देन ए, यानी ये चेक पॉइंट है, ये क्या है? चेक पॉइंट। पहला स्टेप देखो 7 लाख रुपए से कितनी एक्स्ट्रा इनकम है सर? 10,000। दूसरा स्टेप जो इनकम है 7,10,000 ओवरऑल टोटल, उस पर टैक्स बताओ कितना है, कौन से स्लैब रेट से? 115BAC1A वाले से, उसी का तो रिबेट पड़ रहे हैं। ठीक, अब देखो ये जो टैक्स है वो आपकी जो ऊपर एक्स्ट्रा इनकम है उससे ज्यादा है? हाँ सर ज्यादा है, तो रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज इक्वल टू 26,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 16,000। तो अब टैक्स तुम्हारा 26,000 है, तुम्हारा टैक्स कितना है? 26,000, और उसमें से तुम रिबेट ले लोगे कितने का? 16,000 अभी अभी निकाला, तो तुम्हारा टैक्स बिफोर सेस कितना बचेगा? 10,000 ही तो बचेगा। सर जितनी एक्स्ट्रा इनकम है उतना ही टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये एक मार्जिनल रिलीफ दिया है अंडर रिबेट। क्या बोलेंगे इसको? मार्जिनल टैक्स रिलीफ, एक तरह से दिया है अंडर रिबेट प्रोविजंस। कैजुअल लैंग्वेज में इसको बोला जा रहा है, बट हम प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में? हम प्रेजेंट करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87, ये वर्किंग हो गई, ये वर्किंग है बेसिकली। पहला स्टेप देखो कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, दूसरा स्टेप जो टोटल इनकम है उसका टैक्स निकालो, क्या टैक्स तुम्हारी उस एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है? देन टैक्स और उस एक्स्ट्रा इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज अ रिबेट। रिबेट लेने के बाद वो जो तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम है वो सरकार का टैक्स है 10,000। ऐसे ही कर लेंगे अगला, 7,27,000 का कितना है अगला हमारा? 7,27,000, ये भी कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि 7,27,000 पे भी रिबेट मिलेगा। सर हाँ मिलेगा, 7,27,770 तक रिबेट मिलेगा, जैसे जैसे 7 लाख से दूर जाएंगे रिबेट का अमाउंट कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप जाएंगे आगे 7,05,000, 7,08,000, 7,10,000, 7,15,000 आप बना सकते हो बड़े आराम से, अलग अलग लेवल आप देखना, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे रिबेट का अमाउंट आपका क्या होगा? कम होता जाएगा। ये रिबेट ही तो है 16,000। लिखिए इसको, अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें।
डन, वीडियो रोक के लिखा, वीडियो रोक के लिख लिया ना। सर जो पहले वाला रिबेट है उसको आप नॉर्मल प्रोविजन पे लगाना, वो सीखे सही है। जो यहां रिबेट आपने सीखा वो नॉर्मल प्रोविजन के लिए है, ठीक। और 115 बीएससी के लिए, 115 बीएससी के लिए दो तरीके के रिबेट हैं। एक जब आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम हो, दूसरा जब आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो। तो यहां पर जो रेंज है वो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, 727 770। अब जो आपका केस सी है एग्जाम्पल, वो मैंने शायद दिया था टोटल इनकम 7,27,000, ये मेरा एग्जाम्पल था, ठीक। अब इसमें हमें रिबेट ढूंढना है। रिबेट की वर्किंग के लिए स्टेप वन, ए में एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम माइनस 7,27,000, ये हुई एक्स्ट्रा इनकम। बी, हमें टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालना है 7,27,000 पे। सर अगेन वही 0 से 3 लाख पे नील, नया वाला स्लैब रेट से 3 लाख से 6 लाख पे, 3 लाख का 5% 15,000, और जो आपका एक्स्ट्रा है 6 लाख के ऊपर 1,27 × 10% 12,727,700। अब सी में पूछना होगा आपको, ये बी कैपिटल बी पूछना होगा, क्या बी तुम्हारा ए से अधिक है? यस, टैक्स का अमाउंट इनकम से अधिक है, तो सिंपल रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इक्वल टू बी माइनस ए, यानी 700 रुपए। मैंने क्या बोला था, जितना हम दूर जाएंगे रिबेट का अमाउंट उतना कम होता जाएगा। तीन तीन क्वेश्चन करा दिए, अमेंडमेंट्स आपका कवर हो गया। सर एग्जाम में तीन तरीके के रिबेट के कॉन्सेप्ट हैं, एक नॉर्मल प्रोविजंस में जब आप जाएंगे 115 बीएससी से शिफ्ट आउट कर जाएंगे नॉर्मल प्रोविजन में, तो रिबेट उसकी खूब सारी प्रैक्टिस कर ली। 115 बीएससी के अंदर दो है, 7 लाख रुपए तक 25,000 रुपए तक का रिबेट है, जिसके कारण 7 लाख की एग्जैक्ट अगर तुम्हारे पास इनकम हो तो टैक्स हो जाता है 0 बिकॉज ऑफ 25,000 रुपीज का रिबेट। जैसे ऊपर सिखाया था ना कि तुम्हारी इनकम 5 लाख या उससे कम हो तो टैक्स 0 होगा, 2.5 लाख का 3 लाख का एग्जाम्पल कराया था, कोई स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं हो। ऐसे ही 7 लाख की एग्जैक्ट इनकम है, कोई स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, तो टैक्स तुम्हारा आएगा 25,000, रिबेट लेके आएगा टैक्स 0। और ये एक मार्जिनल रिलीफ है टैक्स के अंदर, क्योंकि तुम्हारी इनकम 7 लाख से बढ़ते ही ये वाला रिबेट तो खत्म हो गया ना। जैसे ही तुम्हारी इनकम 7 लाख से ऊपर जाएगी, जो तुमको वहां ऊपर 25,000 तक का रिबेट मिल रहा था वो तो 0 पे आ जाएगा, ठीक। अब 7 लाख 5,000, 7 लाख 10,000 पे तो खूब सारा टैक्स आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, 7 लाख से जितनी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वही टैक्स दे दो विथ सेस, बाकी तुम रिबेट ले लो, हम तुम्हें एक रिबेट का स्कीम और लगाते हैं तुम्हारे ऊपर, जो कहां तक काम करेगा, 7,27,770 तक काम करेगा। ये काम कर रहा है। होमवर्क रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, होमवर्क रजिस्टर्ड स्टूडेंट, तुमको पता है होमवर्क में क्या करना होता है, विथ फॉर्मेट बनाना है होमवर्क का। मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, मैं सॉल्यूशन यहां नहीं दूंगा, तुमको विथ फॉर्मेट बनाना है और तुमको मुझे मैसेज करना है और उसमें लिखना है कि सर आपने इसका सॉल्यूशन क्लास में नहीं दिया था, ये हमारा आंसर है। प्लीज करना है आपको, सर मैं ये वाली लेक्चर देख रहा था, इसमें ये क्वेश्चंस थे जिसका सॉल्यूशन आपने नहीं दिया, होमवर्क हम आपको भेज रहे हैं, मैसेज किया और वो होमवर्क पीडीएफ भेज दिया, और फिर मेरे रिप्लाई का वेट करना या मेरे क्लास डिस्कशन का वेट करना, मैं कहीं ना कहीं उसको क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। आपको रिबेट बताना है अगर आपकी टोटल इनकम मान लो 7,08,000 है, या फिर आपकी टोटल इनकम 7,12,000 है,
और या फिर आपकी टोटल इनकम एक इसका भी करके देख लेना, मिलाएगा लास्ट वाले का 7,28,000 है, लास्ट वाले का नहीं आएगा। ध्यान रखना जब आप मुझे सॉल्यूशन भेजते हो ना, सॉल्यूशन भेजते हो तो वहां आप क्वेश्चन भी दिखना चाहिए मुझे, ठीक, और थोड़ा मैसेज भी लिखना, और सॉल्यूशन का पीडीएफ बना के एक फाइल भेजना है उसका विद फॉर्मेट विद गुड प्रेजेंटेशन। और ये बेसिकली वर्किंग है, ये सब जो आपके सामने ना, ये बेसिकली एग्जाम की क्या है, वर्किंग। रिबेट, रिबेट घटाते कैसे हैं, टैक्स बिफोर रिबेट, लेस रिबेट, एड सेस, तो वहां जाके इस अमाउंट को घटा देंगे, ये वर्किंग है बेसिकली, ऐसे समझो, ठीक। तो अभी मेन फॉर्मेट में कैसे ले जाके क्या माइनस करेंगे वो सब देख लेंगे, आगे हमारे पास टाइम है। ये वर्किंग है और ऐसी वर्किंग तुमको स्टेप वन स्टेप टू एंड रिबेट का अमाउंट, जो ये जो फॉर्मेट है ना आपके सामने, इस फॉर्मेट में बना के मुझे भेज देना। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, कोशिश करना टीआई की जगह टोटल इनकम लिखना, इस रेंज को अच्छे से लिख लेना, 0 से 3 लाख, 3 लाख 1 से 6 लाख, अबव 6 लाख, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन जैसा क्लास में पहले सिखा रखा है सेलेब्रेट में। ये टास्क हो गया आपका, टास्क पीडीएफ लिख देना, सर आपने सॉल्यूशन नहीं दिया था क्लास के अंदर। वैसे तुम सॉल्यूशन का तो वेरिफिकेशन कर ही लोगे बड़े प्यार से, भाई यहां पे तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है, देखो तुम्हारा यहां पे टैक्स बन रहा है 27,700, तुमने डिबेट ले लिया 700, तो टैक्स कितना आया 27, वही जो तुम्हारा एक्स्ट्रा इनकम था। तो ये चेकिंग तो तुम्हारी सॉल्यूशन में ही है, तुम खुद भी चेक कर सकते हो कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। मेरी तरफ से ये एग्जाम्पल सफिशियंट है फॉर टू अंडरस्टैंड रिबेट रिलेटेड अमेंडमेंट। ये सारा अमेंडमेंट है, ये सारा फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट है, यहां लिखा हुआ है, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि इसका डिस्कशन आगे नहीं होगा, मैं जानबूझकर तुम्हें आने वाली क्लासेस में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की क्लास में, सैलरी की क्लास में, कैपिटल गेन की क्लास में, जानबूझकर तुम्हें क्वेश्चन फ्रेम कर करके दूंगा। नॉर्मल प्रोविजंस में है बताओ क्या होगा, 115 बीएससी में है क्या करूंगा, मतलब तुमको अपने आप क्लास में इतनी बार रेफर करूंगा ना चीज कि तुम्हारा क्लास में ही याद हो जाना है। अभी तक तो बहुत कुछ क्लास के अंदर याद हो गया होगा, सीधी सी बात है, आगे और मेहनत करेंगे साथ साथ। देखो यहां कुछ लिखना है, प्लीज आज का लेक्चर नेम लिख लेना बुक पे जाके, लेक्चर नेम और वीडियो का टाइम, बुक पे जाके आज का लेक्चर का नाम लिख लीजिए, वीडियो का टाइमिंग लिख लीजिए। आज से 2-3 महीने के बाद मान लो तुमको इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है वीडियो से, तो कौन सा लेक्चर नंबर ओपन करें और कितने टाइम के बाद वीडियो स्टार्ट करें ताकि हम इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, तो ये बात लिख लो कहीं पे, है ना। आज से 2 महीने के बाद तुम बोलोगे सर इसका वीडियो नहीं मिल रहा है, मुझे वीडियो से रिवाइज करना है, बताइए किस लेक्चर को ओपन करें, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल आप ही को करनी है, मैपिंग किस लेक्चर में क्या पढ़ा रहा हूं, वो चीज आपको बुक पे लिखनी पड़ेगी, आपको टाइमिंग के साथ पहले ही क्लास में बता रखा है। डन, टास्क हो जाएगा कंप्लीट, टास्क को जरूर पार्टिसिपेट करें, कंप्लीट करें, है ना। टास्क को होल्ड नहीं करना है, सर मेरा आंसर मैच कर गया था इसीलिए मैंने आपको नहीं भेजा, अरे नहीं भेजना है, मैं आपका वहां फॉर्मेट देखना चाहता हूं, प्रेजेंटेशन देखना चाहता हूं, मैं उस पर आपको कमेंट दूंगा क्या सही क्या गलत। डन, स्पेस से बाहर निकले। चलिए सर, तो एक हमारा रिबेट का जो कॉन्सेप्ट मिक्स करना था वो हमने कर लिया। अब जो मैंने आपको बोला कि मैं हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं स्पेशल रेट भी मिक्स करूंगा, अभी क्वेश्चन कराते समय मैं स्पेशल रेट भी मिक्स करूंगा, सरचार्ज मिक्स करूंगा, मार्जिन रिलीफ मिक्स करूंगा, रिबेट का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा ही दिया, सेस, ठीक, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये सब चीजें अब मैं आपको मिक्स करने जा रहा हूं। हम अभी सीखेंगे कि ये टैक्स कॉम्प्यूटेशन कैसे करते हैं नए वाले टेबल से, ऑलरेडी सीख रहे हैं और थोड़ा सीखेंगे। सर इस टेबल से टैक्स कॉम्प्यूटेशन कैसे करना है, टैक्स कॉम्प्यूटेशन करते समय सरचार्ज, रिलीफ, रिबेट, स्पेशल रेट की इनकम हो तो कैसे करना है, ये सारी चीजें अब एक एक करके हम लोग
इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखने वाले हैं। महायुद्ध, आज इतना कर लिए तो काफी है, इसी में सब कुछ है। इसमें रिबेट भी है, स्पेशल रेट भी है, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट भी है, अमेंडमेंट, हर तरह की अमेंडमेंट जो है, स्लैब रेट को लेके, रेट को लेके, रिबेट को लेके, मार्जिनल रिलीफ को लेके, सरचार्ज को लेके, सब इन सभी एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल करते जाएंगे हमारा सारा कवर हो जाएगा। अमेंडमेंट जो सरचार्ज से रिलेटेड है कि 37% का सरचार्ज रेट नहीं लगेगा 115 BAC में। रिबेट का कॉन्सेप्ट जो अभी आपने सीखा, अगर इनकम 7 लाख और उससे नीचे हो तो कैसे करेंगे, अगर इनकम 7 लाख 10 हजार हो और 7 लाख 25 हजार हो तो कैसे करेंगे, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट है ना, ये सब अमेंडमेंट्स पे है, ये सारी चीजें अमेंडमेंट्स पे हैं। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो ये अमेंडमेंट्स है, सरचार्ज 37% का अप्लाई नहीं होगा, ठीक। और फिर तो स्पेशल केसेस है ही, स्पेशल रेट्स वाली इनकम। तो काफी मेहनत की है मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ, मतलब फ्रेम करने में, ताकि हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाए। लिखिए एक बार इस क्वेश्चन को, एक एक करके फिर इन सबको सॉल्व करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में। ये हो गया सारा कंप्लीट, तो फिर अगली क्लास में आपका, जो मैंने बोला कि मैं 2 क्लास में ये सारा खत्म कर दूंगा, तो अगली क्लास में जो भी इसका थ्योरेटिकल और बाकी डिस्कशन बचा है वो सारा हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर तो हर एंगल में आप 115 BAC से रिलेटेड टैक्स निकालना जान जाएंगे। आप कौन है, SSC मिस्टर ए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कंटिन्यू कर रहे हैं 115 BAC, आप ऑप्टेड आउट नहीं किए हो, टोटल इनकम 115 BAC के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्यूट की है, जो डिडक्शन मना थे वो नहीं लिए, जो एग्जम्पशन मना थे नहीं लिए। केस ए, आपकी इनकम 4 लाख है, आप रेसिडेंट हैं। केस बी, आपकी इनकम 4 लाख है, आप नॉन रेसिडेंट हैं। अब नॉन रेसिडेंट में आपको मैं क्या सिखाने वाला हूं, रिबेट नहीं लेंगे, यहां पे रिबेट लेंगे, यहां रिबेट यस हो गया, यहां रिबेट नो हो गया, तो ये कंपैरिजन आ जाएगा। पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, 115 BAC के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी अभी 7 लाख से अधिक वाले अमेंडमेंट की बात हुई थी, ये सब उसी चीज को समझाने के लिए। सर केस सी, 7 लाख की इनकम है, एज 85 ईयर्स है, रेसिडेंट है, बाकी 7 लाख 10 हजार की इनकम है, 7 लाख 26 हजार की इनकम है, स्पेशल केस। वो अभी याद है रेंज लिखाया था मैंने, रेंज कितनी, 7,27,770 तक में हमें रिबेट मिलेगा नए प्रोविजन के हिसाब से जो अमेंडमेंट्स है। उसके बाद 10 लाख पे क्या होगा, 15 लाख पे क्या होगा, अगर आपकी इनकम 35 लाख रुपए और उसके अंदर कैपिटल गेन है 4 लाख का तो क्या होगा, एग्जैक्ट 50 लाख पे कैसे टैक्स निकालेंगे, 51 लाख, यहां मार्जिनल रिलीफ सिखाऊंगा, यहां मार्जिनल रिलीफ सिखाऊंगा, 37% का सरचार्ज रेट नहीं है वो सिखाऊंगा 5 करोड़ 5 लाख के एग्जाम्पल में। सर जब 37% है नहीं तो यहां मार्जिनल रिलीफ भी नहीं होगा, बाकी मैं 51 लाख पे मार्जिनल रिलीफ सिखाऊंगा, 1 करोड़ 1 लाख पे मार्जिनल रिलीफ सिखाऊंगा। उसके बाद 7 लाख की इनकम पे LTCG है 112A का, जहां पर हम रिबेट नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी इनकम पे तो लेंगे, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 7 लाख की इनकम है, 3 लाख का कैपिटल गेन है 112A वाला, अब इसके अंदर जो टैक्स निकलेगा उसमें कुछ रिबेट लेंगे कुछ नहीं लेंगे, इंटरेस्टिंग। और ये आपको सिखाऊंगा अनएग्जॉस्टेड, इसमें सिखाऊंगा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का कॉन्सेप्ट, जो पहले भी सीखे हुए आप। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए की है, कौन से सेक्शन में, 115 BAC में, 115 BAC में शुरू के 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपकी इनकम यहां 5 लाख है, जिसमें 111 है 2,70,000, तो नॉर्मल इनकम कितनी है इसमें, 2,30,000, अनएग्जॉस्टेड कितना बचेगा, 70,000, जो हम कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे, फिर उस पर स्पेशल रेट से टैक्स निकालेंगे, फिर रिबेट भी लेंगे, इंटरेस्टिंग है, फिर सेस भी आएगा, तो इसमें सरचार्ज, सेस, रिबेट, अमेंडमेंट, स्पेशल रेट सब मिक्स हो गया है, सब मिक्स हो गया है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चलिए सर, अब एक एक करके तोड़ते हैं कि
केस ए 4 लाख रुपए, केस ए आपकी टोटल इनकम कितनी है 4 लाख। क्या इसके अंदर कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है? नहीं। क्या आप सेक्शन 115 बीएसई में हैं? हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी आपने पढ़ा 7 लाख रुपीज तक रिबेट लेने के बाद आपकी इनकम क्या हो जाती है, टैक्स क्या हो जाता है? जीरो। आप रेसिडेंट भी हैं, आप यहां पे कौन है? मिस्टर ए रेसिडेंट। कुछ लिखना है कहीं पे यहां? डन। कुछ छुटा तो नहीं? देख लो सर, एक एक करके मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 लाख रुपीज की इनकम है, 115 बीएसई में है, रेसिडेंट है आप इंडिविजुअल, तो ऑब्वियस सी बात है रिबेट के लिए आप एलिजिबल हैं, और रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स आ जाएगा कितना? निल। तो एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा, कहीं भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आज की पूरी क्लास प्रैक्टिस के लिए रखी हुई है, और अगली क्लास में फिर बाकी थ्योरेटिकल डिस्कशन जो हमारा है वो सारा करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ चीजें आगे डेफर हो जाएंगी फ्यूचर डिस्कशन के लिए रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में, मजा आएगा फाइनली टोटली। आपको लगता है कि आप आंसर निकाल सकते हैं तो वो आप बिना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके रफ पेज में आंसर निकाल के रेडी रखिए, वीडियो रोक दीजिए, रफ पेज में चले जाइए, आप आंसर निकाल लीजिए विद फॉर्मेट। अगर आपको लगता है कि आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि समझाने का काम तो मैंने सारा कर ही दिया है और पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, खाली टेबल ही तो चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा जो पहले से जानते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं, अगर खुद कोशिश करते हैं तो करिए अपने मन से। मेरे सवाल मेरे आंसर को डिस्कस करने से पहले आप खुद बनाना चाहते हैं रफ में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है इसमें कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस में करते हैं वैसे इसमें करेंगे, खाली इसमें आपको डिफरेंट स्लैब रेट अप्लाई करना है ना। टोटल इनकम 4 लाख है, आप 115 बीएसई में कंटिन्यू है, आप मिस्टर हैं, रेसिडेंट हैं, एज कोई मैटर नहीं करता। हमारे पास यहां टोटल इनकम है, यहां रेट है और यहां अमाउंट है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स कॉम्प्यूट कर रहे हैं जीरो से, 3 लाख रुपए पे निल, फर्स्ट 3 लाख पे निल, एंड अब आपके पास 1 लाख एक्स्ट्रा बचा है, तो सीधा बैलेंस रुपीज 1 लाख पे 5% आफ्टर 3 लाख, जो आपका रेट है वो कितना है? 5% है, अप टू 6 लाख तक, जिसको हम लोग कर रहे थे 3 लाख इंटू 5% 15,000, तो ये फिलहाल सिंपल आपके पास कितना है? 5,000। अब चूंकि आप रिबेट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको यहां क्या लिखना है? टैक्स बिफोर रिबेट अंडर सेक्शन 87A 5,000 लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A निल, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल निल होगा, रिबेट तो आपके पास कितना है? 5,000। सर आप इसमें 25,000 रुपीज तक का रिबेट ले सकते हैं और अप टू 7 लाख रुपीज तक ले सकते हैं, यही मैंने आपको बताया अगर आप 115 बीएसई में है, सिंपल। अब इसी में केस बी है आपके पास, ये हमारा हो गया, अब इसी में है केस बी 4 लाख अगर आप नॉन रेसिडेंट है, तो सिर्फ रिबेट निल हो जाएगा, बाकी आंसर तो सेम रहना चाहिए। अगर मैं इसी में ये केस ए बना देता हूं और इसी के साइड में मैं यहां केस बी बना देता हूं, आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 115 बीएसी
आप कौन है? नॉन रेसिडेंट, राइट। 115 BAC आप नॉन रेसिडेंट हैं, तो टैक्स स्लैब में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, खाली यहां पर जो है रिबेट आपको नहीं मिलेगा। ये आ गया बेसिकली क्या, टैक्स बिफोर सेस, इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%, 200 टोटल टैक्स 5,200। सिंपल, केस ए केस बी दोनों हो गया। केस सी 7 लाख, अगर आपकी एज 85 इयर्स है, रेसिडेंट है। केस सी, टोटल इनकम 7 लाख, आप रेसिडेंट हैं और 85 इयर्स एज, यही तो है। केस सी 7 लाख रेसिडेंट 85 इयर्स एज। अब आपको मैंने अभी पढ़ाया कि आप रिबेट में 7 लाख रुपीज तक की टोटल इनकम पे 25,000 रुपीज तक का रिबेट ले सकते हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स जीरो हो जाएगा एग्जैक्ट अगर आपकी इनकम 7 लाख है, तो वो चीज इसमें यहां प्रूफ हो जाएगी। देखो आपका ये पहला केस हो गया, केस बी हो गया, ठीक, इसको लिख लो। टैक्स कंप्यूटेशन एज पर सेक्शन, हम लोग क्या चल रहा है, एज पर सेक्शन 115 BAC, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर सेक्शन 115 BAC, सब सेक्शन 1A लिखना है, सब सेक्शन 1 लिख दो। 4 लाख की इनकम है तो 3 लाख रुपए तक नील, बैलेंस 1 लाख पे 5%। डन, वीडियो रोक के लिखा। केस बी, आप रेसिडेंट हैं 85 इयर्स हैं और टोटल इनकम आपकी 1 लाख रुपए है। मैं इसी में दो वैरायटी करना चाहता हूं। मान लो मैं ऑप्टेड आउट कर लिया, मैं ऑप्टेड आउट कर लिया फ्रॉम 115 BAC, यानी मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल प्रोविजन से बनाना चाहता हूं, टोटल इनकम सेम है। सर मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि अगर आप सेक्शन 115 BAC पे जा रहे हो, 115 BAC को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको कुछ डिडक्शंस और कुछ एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे जिसमें टोटल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। एज्यूम करते हैं कि टोटल इनकम सेम रहेगी दोनों में, चाहे आप 115 BAC में जाओ या फिर 115 BAC से वापस आ जाओ, बाहर निकल जाओ, शिफ्ट आउट कर लो, है ना, यू हैव शिफ्टेड आउट फ्रॉम 115 BAC, तो यानी नॉर्मल प्रोविजंस। अब नॉर्मल प्रोविजंस में 7 लाख की इनकम पर आपको क्लास में क्या पढ़ाया हुआ है, अगर आप रेसिडेंट हैं और आपकी एज 85 इयर्स है, 5 लाख रुपए तक टैक्स निल, बचेगा 2 लाख, 2 लाख पे 20% और कोई रिबेट नहीं है, है ना, वहां पे, तो ये कंपैरिजन हो जाएगा आपका, पुराना रिविजन भी हो जाएगा और कंपैरिजन भी हो जाएगा। ऑन फर्स्ट रुपीज 5 लाख निल, ऑन नेक्स्ट रुपीज, नॉर्मल प्रोविजन, रेगुलर प्रोविजन, आप शिफ्ट आउट कर चुके हैं, ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC, इसी के अंदर कंपैरिजन के लिए बेसिकली बना रहा हूं, 40,000, कोई रिबेट नहीं, अगर आपकी इनकम 7 लाख है, रेसिडेंट है, 85 इयर्स है और आप 115 BAC में नहीं जा रहे हैं, तो आपको जो पढ़ाया है वही 5 लाख रुपए तक निल, बचेगा 2 लाख, 2 लाख पे 20%, एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%। आ गया आंसर। काफी सारी प्रैक्टिस करनी है। अब सेक्शन 115 BAC के अंदर ही हैं आप, तो अंदर हैं तो फिर आपका जो टैक्स आएगा वो वही ऑन फर्स्ट रुपीज 3 लाख, एज तो देखते ही नहीं है यहां पे,
7 लाख की इनकम है, 3 लाख अगला 3 लाख और नेक्स्ट रुपीज 3 लाख, 5% 15,000। अब आपकी इनकम कितनी है, 7 लाख, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 3 और 3, अब कितना बचा बैलेंस रुपीज 1 लाख, 10% 10,000, टैक्स बिफोर रिबेट 25,000। क्या मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एग्जैक्ट 7 लाख पे आपका रिबेट के बाद टैक्स जीरो हो जाएगा एज पर एमेंडेड प्रोविजन। रिबेट मैक्सिमम आप 25,000 रुपीज तक ले सकते हैं अगर आप 115 बीएसी 1A के थ्रू आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं। टैक्स पेएबल नील। सर एग्जैक्टली यही चीज आपने क्लास में पढ़ी है रिबेट में, पेज नंबर 2.4 पे ये वाला प्रोविजन कि अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं कर रही है तो आपको रिबेट मिलेगा और रिबेट का अमाउंट 25,000 रुपीज मैक्सिमम। मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट 7 लाख पे आपका टैक्स जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिबेट इन सेक्शन 115 बीएसी, वो प्रूफ हो गया आपका यहां पे और कंपैरिजन भी हो गया, और कंपैरिजन भी हो गया। केस डी, केस डी आपकी टोटल इनकम बढ़ा के मैंने कर दी कितनी 7,10,000। तो अब हम लोग कौन सा 7,10,000 में है, तो हम लोग यहां पे हैं इस वाली स्कीम में, ये वाली स्कीम मार्जिनल रिलीफ टाइप का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग रिबेट के अंदर कि अगर आपकी इनकम 7 लाख के थोड़ी सी अधिक जा रही है तो टैक्स लायबिलिटी उतनी ही होगी जितनी एक्स्ट्रा इनकम है, बाकी रिबेट ले लोगे तुम। तो वो आपको मैंने स्टेप्स दिखाए थे, अब उसी पर ये मैंने क्वेश्चन यहां पर दिया 7,10,000 का। चलो देख लेते हैं, सर क्वेश्चन में जनरली अगर स्टेटस नहीं रहता है दिया हुआ तो हम एजम्पशन लेते हैं कि आप रेसिडेंट हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन में स्टेटस अगर नहीं दिया हुआ हो कि आपका स्टेटस क्या है तो आप रेसिडेंट एज्यूम करोगे, नॉन रेसिडेंट नहीं। क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट दिया है तो ठीक, वरना रेसिडेंट देके आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, यानी अगर रिबेट है तो रिबेट देना है, टैक्स में कोई बेनिफिट देनी है तो देना है। देखिए यहां तक तो लिख चुके थे आप बच्चे, इसको लिखिए, डन, वीडियो रोक के लिखा। रेगुलर प्रोविजंस पे 7 लाख रुपए की इनकम पे आपको 41,600 का टैक्स देना पड़ जाएगा, बट अगर आप 115 बीएसई ऑप्ट कर लेते हैं तो ड्यू टू रिबेट, ड्यू टू द अमेंडेड प्रोविजंस, न्यू प्रोविजंस, आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी, जीरो। लिख लिया इतना, वीडियो रोक के नेक्स्ट, ये भी लिख लिया नेक्स्ट। अब आपको आपकी इनकम 7,10,000 रुपीज है और आप 115 बीएसई में है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स में टैक्स पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें रिबेट मिलेगा, हमने एक रेंज देखा हुआ है, आप रेसिडेंट हैं और आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, हमने एक रेंज क्लास में पढ़ लिया कि उस रेंज तक 7,27,770 तक की रेंज तक हमें रिबेट मिलेगा, ये दिमाग में सेट है आपके, ठीक। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए ही प्रोविजन बनाना है, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं और नेक्स्ट 3 लाख 5% 15,000 10% 11,000 टैक्स बिफोर रिबेट। अच्छा ध्यान रखना,
पढ़ाते समय समझाते समय मैंने क्या बोला, रिबेट के अंदर एक मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया है, स्टेप्स हैं उसके, ए बी ए माइनस बी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, बी माइनस ए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बता दिया। लेकिन लिखना तुमको रिबेट ही है, आप इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिबेट ही लिखेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हम इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे बस। इसके बाद का आंसर मुझे पता है क्या होगा, आपको भी पता है, एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज की इनकम है 7 लाख के ऊपर, आपका 10,000 ही यहां आना चाहिए, ये आपको तो अब पता चल गया हेल्थ एंड एडुकेशन से। सर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है रिबेट के अंदर एक मार्जिनल रिलीफ के नाम से ही डिस्कस होता है हर जगह, आप जहां भी देखोगे, बट वो आपको एक समझाने का तरीका था कि देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसी मार्जिन से बढ़ेगी जिस मार्जिन से आपका इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि बेस अमाउंट 7 लाख पे तो टैक्स जीरो है, अभी अभी ऊपर आपने प्रूफ किया, अभी अभी आपने दिखा कि अगर आपका एग्जैक्ट इनकम 7 लाख रुपए हो तो टैक्स जीरो। अब आप मान लो मेरी इनकम 10,000 से बढ़ गई तो टैक्स भी तो 10,000 से ही बढ़ेगा मैक्सिमम, या उससे ज्यादा से बढ़ जाएगा, तो वहीं पर एक मार्जिनल रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन आप उसको रिबेट ही कहेंगे, ये ध्यान रखना, ये रिबेट 16,000 रुपए का आपको मिलेगा, और कोई लैंग्वेज मत यूज करना, लेस मार्जिनल रिलीफ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कोई वर्ड नहीं, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, वर्किंग नोट में हम बता देंगे 16,000 कैसे आया और उसका बेनिफिट ले लेंगे। वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट है ना, पहला स्टेप क्या था हमारा, टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इज 10,000, और हमारे बी में क्या था, टैक्स ऑन टोटल इनकम, और वो हमारा ऊपर आ रहा है 26,000, और हमारा तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यस है, देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A इक्वल टू B माइनस ए, 26,000 माइनस 10,000, 16,000 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कितनी अधिक इनकम है, टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज, आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे टोटल इनकम इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, लैंग्वेज में अगर लिखना है, पहला स्टेप कॉम्प्यूटेशन ऑफ रिबेट के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो एक होता है डायरेक्ट लिख देना जितना टैक्स है उतना रुपया, देखो ये वाला यहां पे जितना टैक्स था उतना लिख दिया, 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर जितना टैक्स आएगा वो आप लिख के निल कर देना, या मैक्सिमम 25,000 रुपीज लिखना, अगर मान लो स्पेशल रेट वाली कोई इनकम है उसकी भी प्रैक्टिस अभी कर लेंगे। यहां कोई एबीसी के एनालिसिस नहीं करनी है, कोई वर्किंग नोट नहीं करना है, सीधा 25,000 रुपए तक का रिबेट ले सकते हैं क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख और उससे कम है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम एक्स्ट्रा होगी तो आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि कितनी एक्स्ट्रा इनकम है, टैक्स कितना है, क्या टैक्स इनकम से ज्यादा है उस एक्स्ट्रा इनकम से, हाँ तो डिफरेंस आपका क्या होगा, रिबेट, और उस रिबेट को आपको रिबेट बोल के ही माइनस करना है, भले पढ़ाते समय हम इसको जो भी कहें, लॉजिक जो भी समझाएं आपको, रिबेट बोल के ही माइनस होगा, एक्ट में भी रिबेट बोल के ही दिया हुआ है, समझाने समझाने का फर्क है। आप मान लो कोई नो सोशल मीडिया पे, आप मान लो कोई इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ रहे होगे, कहीं पे न्यूज़पेपर में कवरेज आई होगी, किसी से डिस्कशन हो रहा होगा, तो ऐसे ही अरे एक रिबेट के अंदर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट, वो क्या है, अरे कुछ नहीं है, 7 लाख तक तो आपका टैक्स जीरो होता है, अगर आपकी इनकम 7,05,000 है तो टैक्स भी आपका 5,000 ही होगा, बाकी रिलीफ है एक तरह से, और रिलीफ बेसिकली समझाने के लिए है, नाम इसका अल्टीमेटली है क्या, आपको रिबेट बोल के क्लेम करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट डन, वीडियो रोक के लिखा, यहां पे आ जाएगा टोटल टैक्स, वो तो आपको पता ही है, फिर कोई टीडीएस वगैरह तो माइनस कर देना, डन, वीडियो रोक के लिखा, 7 लाख 10,000 पे टैक्स देना है,
ऐसा नहीं कि टैक्स जीरो हो जाएगा. देखो यहां क्या हो रहा है, 7 लाख पे टैक्स जीरो हो जा रहा है बिकॉज ऑफ रिबेट. लेकिन 7,10,000 पे रिबेट लेने के बाद आपका टैक्स 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट है. टैक्स तो देना ही पड़ेगा लेकिन 10,000 से अधिक नहीं देना पड़ेगा. एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, एक्स्ट्रा 10,000 है. तो आपका मैक्सिमम टैक्स भी कितना बनना चाहिए, वो 10,000 ही बनना चाहिए. लॉजिक. बाकी आप क्या करोगे, डिफरेंस रिबेट बोल के लोगे. और रिबेट बोल के स्टेप्स क्या है, तो वो ये रहे. डन. वीडियो रोक के लिखा. नेक्स्ट. डन. अब केस ई. ये जो केस ई है ये आप सेल्फ बनाएंगे. सेल्फ पीडीएफ भेज देना. टास्क केस ई 7,26,000 रुपीज का आप बनाएंगे और मुझे आंसर भेजेंगे कि सर 7,26 का आपने सॉल्यूशन नहीं दिया था, ये हमने बना के भेजा. केस एफ अगर आपकी इनकम 10 लाख हो. केस एफ अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख हो तो क्या होगा. सर जब हम लोग नॉर्मल प्रोविजन में रहते हैं, मान लो आपकी एज 32 इयर्स है और नॉर्मल प्रोविजन पे इसको बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 तक हम लोग वो 2.5 तक निल करते हैं. उसके बाद के 2.5 लाख पे 5% करते हैं. उसके बाद 5 लाख पे 20% करते हैं. नॉर्मल प्रोविजन वो कुछ भी नहीं करेंगे. हमें तो इसका कॉम्प्यूटेशन कैसे करना है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर रेट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 BAC 1A. अब तो याद हो गया आपको टैक्स रेट कहां से लेंगे, 115 BAC 1A से. अब आपको रेंज लिखना होगा. 10 लाख तक जाना है तो पहला 3 लाख, फिर 6 लाख, फिर 9 लाख और फिर एक्स्ट्रा 1 लाख और परसेंटेज बढ़ाना नील 5, 10, 15 ऐसे जाना है. ऐसे ही 15 लाख का कर लेंगे. सिंपल है. केस एफ उसके बाद हमारा कौन सा है केस, केस एफ केस जी. ठीक है. उसके बाद कैपिटल गेन स्पेशल आएगा. ठीक है देख लेते हैं 10 लाख पे कितना आ रहा है. आप लिखते जाइए साथ साथ और आपको खुद बनाना है तो वीडियो रोक के आप बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको लगता है आपको खुद बनाना है तो बनाइए वीडियो रोक के. आप रेंज भी लिख सकते हैं 0 से 3 लाख, 3 लाख 1 से, 6 लाख, 6 लाख 1 से. दोनों तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब मुझे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मैं परसेंटेज बढ़ाता जाऊंगा, 3-3 लाख का पैकेट बनाता जाऊंगा. खाली ये ध्यान रखना है कि अब आप 9 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं तो अब आपके पास बैलेंस 1 लाख ही बचेगा. टोटल इनकम आपके पास कितनी है, 10 लाख. तो याद करने का कुछ है ही नहीं इसमें. पहले 3 लाख पे निल, उसके बाद 5-5% से टैक्स बढ़ाना है और इधर 3-3 लाख आगे जाते जाना है. ये हो गया 15,000 तो ये हो जाएगा 30,000. अब इसमें तो 15,000 हुआ, होना तो चाहिए था 45 लेकिन आपके पास इनकम ही नहीं है. 3 लाख का 15% 45 आ जाता, आपके पास इनकम ही नहीं है. रिबेट का कोई गुंजाइश नहीं, सीधा टैक्स बिफोर सेस एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4%. डन. वीडियो रोक के लिखा. केस जी ई एफ एन जी. अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख तो नॉर्मल प्रोविजन में आप क्या करते, 5 लाख पर 30% लगाते लास्ट के 5 लाख पे, है ना. अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस में रहते इसी क्वेश्चन 15 लाख की टोटल इनकम को अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से सॉल्व करोगे तो आप वही
अप टू 2.5 लाख तक निल, उसके बाद 2.5 लाख पे 5%, फिर उसके बाद 5 लाख यानी 10 लाख तक 20%, और फिर 10 लाख के ऊपर जो 5 लाख है उस पर आप 30% लगाते हैं। लेकिन आपको पता है सेक्शन 115 बीएससी वाली स्कीम में 15 लाख तक तो आपको 20% पे ही रहना है ना, 15 लाख के ऊपर 30% पे जाना है, तो यहां 30% की कोई गुंजाइश है नहीं। रिबेट से तो हम बहुत दूर निकल चुके हैं, सीधा टैक्स कॉम्प्यूटेशन करते हैं। प्रैक्टिस है बस और कुछ नहीं, जो है बस वो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं मैं आपको। क्या बोला था मैंने, सारे कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पुराना रिवीजन भी अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 3-3 लाख रुपए आगे जाते जाना है, 3 लाख 6 लाख 9 लाख 12,000 12 लाख 15 लाख ऐसे जाना है। अब मैं 12 लाख तक पहुंच चुका हूं और नेक्स्ट 15 लाख पे आ चुका हूं, 20%। अब एवं 15 पे सीधा कितना था, 30%, उसकी जरूरत ही नहीं है, आपके रुपए खत्म हो चुके हैं। टोटल इनकम 15 लाख, 3 लाख 6 लाख 9 लाख 12 लाख 15 लाख पहुंच चुके। अब हम 15,000 के मल्टीपल में जाएंगे, 15, 30, फिर यहां 45, फिर यहां 60। यही मैंने बोला था कि आप 5-5% बढ़ाते रहना, टैक्स का अमाउंट 15,000 के मल्टीपल में चलता रहेगा, पहला 15, दूसरा 30, 15,000 बढ़ाते रहना उसको। पहले हम लोग 12,500 बढ़ाते थे, 2.5 लाख का सेटिंग था पहले, टैक्स बिफोर सेस एड हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। देखो यहां पे अगर एक तरह से टोटल इनकम और टैक्स को देखो तो इफेक्टिव टैक्स रेट मात्र 10% हुआ, सोचो कितना टैक्स रेट कम हो गया। अगर आप सेक्शन 115 बीएससी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते इससे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन भी लोगों की इंडिया में इनकम है 7 लाख और उससे कम, उनका तो टैक्स जीरो हो गया ना, जो पहले नहीं था। सर अगर आप 115 बीएससी में नहीं हो तो फिर रिबेट का बेनिफिट तो 5 लाख रुपए तक ही है, उसके बाद तो फिर 20% के ब्रैकेट में आप है। तो इसमें थोड़ा सा एक ही दिक्कत है 115 बीएससी में कि इसने काफी सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए मना किया हुआ है, बट स्टिल तुम देखो कि अगर तुम इनकम टैक्स एक्ट में कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहते हो तो इनकम टैक्स एक्ट तुम्हें साफ साफ बोल रही है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है तुमको, ठीक। उसके बाद भी जो इनका रेंज है भाई 5%, 10%, 15, 20, आपके सामने दिख रहा है कि 15 लाख रुपए की इनकम पर इफेक्टिवली जो भी स्लैब लगा रहे हैं ये और जो भी आपको रिबेट वगैरह दे रहे हैं, रिबेट तो है ही नहीं, इफेक्टिवली देखो तो आपका टैक्स रेट इफेक्टिवली यहां कितना है, मात्र 10%। नहीं क्या देख लो, तो तुम्हारे सामने है, ऐसे लग रहा है क्या अरे गवर्नमेंट ने हमसे 20% टैक्स ले लिया, लेकिन कितने पे लिया, मात्र लास्ट के 3 लाख पर ही तो 20% लिया है। आप देखो ना खुद, कुछ भी गलत नहीं है, हर 3 लाख रुपए पे आपके टैक्स बढ़ रहे हैं। आपको मैंने सामने दिखा रहा हूं कि अगर आप इंडिया में, आप छोड़ो इंडिया में, अगर कोई भी आदमी 15 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है आज के दिन, तो सेक्शन 115 बीएससी में जाके वो अपना इफेक्टिव टैक्स रेट कितना कर सकता है, 10%, मतलब 15 लाख रुपए में से 1.5 लाख गवर्नमेंट के दे दो, बाकी तुम्हारा 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख गवर्नमेंट को दे दो, बाकी रुपया तुम्हारा। दिख रहा है तुमको साफ साफ, इसमें कुछ तो और रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैंने साफ साफ बता रहा हूं अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है और आप 115 बीएससी में कंटिन्यू कर रहे हो, 115 बीएससी, तो देख लो आपका जो टैक्स स्लैब रेट है वो इफेक्टिव आपको कहां पर लेके आ रहा है, ओनली 10% पे लेके आ रहा है, ओनली 10% पे। और क्या चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सिर्फ आपसे 10% टैक्स लेना चाह रही है, ये भी नहीं दोगे, ऐसी वाली बात। डन, वीडियो रोक के लिखा एच।
वीडियो रोक के लिख रहे हैं साथ साथ, कुछ छुटा तो नहीं। अब हम जाते हैं एच, एच पे मैंने थोड़ी इनकम बढ़ा दी है 35 लाख, सरचार्ज पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशल रेट है 4 लाख का, तो ठीक है 4 लाख को अलग सॉल्व कर लेंगे और बचेगा 31। इस 4 लाख पे 20% और इस पे स्लैब रेट जो सीख रहे हैं यही करेंगे। सर अगर आपके पास स्पेशल रेट वाली कोई इनकम है तो क्या उस पे स्पेशल रेट लगाएंगे? आंसर इज यस। उस इनकम 35 लाख के अंदर 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज आपका सेक्शन 112 वाला है, तो ऑन दैट 4 लाख आपको 20% अप्लाई करना है। बैलेंस कितना बचा? 35 में से 4 लाख माइनस किया तो कितना बचा? 31 लाख। इस पे आप जो भी स्लैब रेट सीख रहे हैं 3 लाख के मल्टीपल वाला और 5%, 10, 15, 20 वाला, वो लगाना है आपको। 25% गलती से मत लगाना कहीं पे। और 35 में से 4 हट गया तो कितना बचेगा? 31। ये तुमको ध्यान रखना है, ये तुमको ध्यान रखना है। वीडियो रोक के लिखना, खुद बनाना चाहते हो बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी बनाओ मैं भी बनाता हूं, ऐसा करते टाइम बचेगा, ब्रेक भी ले लो। यहां पे पहले लिख लेते हैं, यहां पे क्या है, टोटल इनकम रुपीज 35 लाख इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 4 लाख। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 115 बीएसी के अकॉर्डिंग। बट प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगर सेक्शन 115 बीएसी में हैं तो क्या स्पेशल रेट वाली इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा? आंसर इज यस। प्लीज ब्रेक लीजिए 5-10 मिनट का, आप भी बनाइए मैं भी बनाता हूं, आंसर मिला लेंगे। चलिए सर देखते हैं आपका आंसर आया नहीं आया, क्या बनाया नहीं बनाया। सिंपल था, देखो कोशिश करनी है, बनेगा तो सारा ही, थोड़ा बहुत सही गलत जो भी बने। सर टोटल इनकम 35 लाख, राइट, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख। तो हम लोग क्या करते हैं, आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 4 लाख उसको आप अलग 20% पे टैक्स कर दो, बाकी सब पे आप अपना स्लैब रेट लगा दो वही 3 लाख वाला, हर 3-3 लाख पर 5-5% का टैक्स रेट बढ़ता रहेगा। अब यहां रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं है और सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आपकी इनकम ओनली 35 लाख है। चलिए बना लीजिए, लिख लीजिए, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन वीडियो रोक के लिखा। सर अगला ये आपको खुद बनाना है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख है और आपको आपका ये फाइनल आंसर मैंने यहां पर दिया हुआ है, आपका ये आंसर आ जाना चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक, 115 बीएसी के अकॉर्डिंग 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स और प्लस जो आप 15 लाख पर 1.50 लगा रहे थे वो, और फिर सेस, सरचार्ज यहां भी नहीं होगा। हिंट में मैं आपको दे दूं, सरचार्ज यहां भी नहीं है। अब अगला सर ये आप खुद बनाना चाहते हो, वीडियो रोक के बना लो। सर अगर आपकी टोटल इनकम 51 लाख रुपीज है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे आपको मार्जिनल रिलीफ भी निकालना होगा और टैक्स भी निकालना होगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर रही है, एक सरचार्ज है 10% का एंड इट इज नियर टू 50 लाख, तो इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ भी होगा। सर मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखा है, शुरू में ही बता दिया था कि गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ आपको क्यों देती है। शुरू में कॉन्सेप्ट देने के बाद हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ की काफी प्रैक्टिस कर ली है अब तक क्लास में, इसमें तो आपको अप्लाई करना है, जो क्लास में सीखे हैं उसको आपको अप्लाई करना है, नथिंग न्यू। हाँ स्लैब रेट आपको नया लगाना है
वो हम लोग सीखे ही अभी। 50 लाख रुपीज, 51 लाख रुपीज पे टैक्स निकालो, फिर उसमें सरचार्ज ऐड कर देना 10%, ठीक। और मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए फिर दो चीज माइनस करते हैं, एक 50 लाख का टैक्स और दूसरा 50 लाख से जो एक्स्ट्रा इनकम है। बना लो फटाफट वीडियो रोक के। डन, आई होप यू आर रेडी विथ योर आंसर। आप वीडियो रोक के विथ फॉर्मेट आंसर के साथ रेडी हैं। सर ये देख लीजिए, अभी मैंने कहा 50 लाख पे टैक्स निकाल लो, 51 पे इनफैक्ट, 51 लाख पे टैक्स, फिर सरचार्ज, और मार्जिनल रिलीफ का वर्किंग नोट अगर आपने बनाया हो फॉर्मेट, तो आपका 53,000 आंसर आया होगा। ये फाइनल आंसर है मार्जिनल रिलीफ के बाद। सर ये मेन आंसर हो गया, टैक्स सरचार्ज लेस रिलीफ एड सेस, मार्जिनल रिलीफ आपका 53,000 आया होगा अगर आपने बनाया होगा वीडियो रोक के तो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन। फॉर्मेट मार्जिनल रिलीफ में क्या करते हैं, दो चीज माइनस करते हैं, टैक्स आफ्टर सरचार्ज में से एक 50 लाख का टैक्स और दूसरा 50 लाख से जो एक्स्ट्रा इनकम है। बस फर्क यहां पे क्या है, यहां अपना इसका खुद का स्लैब रेट है 115 BAC में। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर ये भी आपको होमवर्क में है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ 5 लाख है तो टैक्स कितना। हिंट देना चाहूंगा, 37% का कोई लेवल नहीं है 115 BAC में, तो यहां पर आप 25% सरचार्ज से बनाएंगे एंड यू आर नॉट नियर टू 2 करोड़ कि आपको यहां पे मार्जिनल रिलीफ हो। अगर यही क्वेश्चन 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 5 लाख का होता तो हम मार्जिनल रिलीफ ट्राई करते। 5 लाख पे सरचार्ज का रेट चेंज नहीं हो रहा है, 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज का रेट चेंज नहीं हो रहा है, 25 था 25 ही है, तो इसीलिए यहां ना तो आप 37% पे सॉल्व करेंगे नहीं मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे, नॉर्मल सॉल्व करेंगे। इजी है, आंसर हिंट में दिया हुआ है, आप इसको होमवर्क में रखोगे, आंसर टैली हो जाएगा तो आप आंसर के साथ भेज देना और जरूर लिखना कि सर आपने क्लास में आंसर दिया था और मेरा आंसर टैली हो गया, फोटो क्लिक करके भेज देना कि सर इस क्वेश्चन में आपने आंसर दिया था, मेरा आंसर टैली हो गया, ये फॉर्मेट देख लीजिए। सर इसका भी आपको होमवर्क है अगला क्वेश्चन, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो 115 BAC, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है तो 115 BAC में मार्जिनल रिलीफ क्या निकलेगा एज वेल एज टैक्स क्या निकलेगा। हिंट में मैं इतना ही बता सकता हूं कि दो लेवल का सरचार्ज है इसमें, इसमें सरचार्ज का 10% भी यूज होगा, इसमें सरचार्ज का 15% भी यूज होगा। दो लेवल वाले क्वेश्चन आपने क्लास में काफी सारे कर रखे हैं, अगेन होमवर्क में विथ फॉर्मेट सॉल्व करके मुझे भेज देना है और साथ में लिखना है कि सर आपने इसका सॉल्यूशन क्लास में दिया था, मेरा आंसर मैच कर गया। और अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो भी आपको लिखना है कि सर आंसर मैच नहीं किया, मेरा ये आंसर साथ में आना चाहिए। अगर मान लो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो फिर मेरा आंसर जरूर भेजना और अपना आंसर विथ फॉर्मेट के साथ भेजना। होमवर्क है, डन, 5 करोड़ 5 लाख पे टैक्स निकालना है 115 BAC के अंदर, 1 करोड़ 1 लाख पे मार्जिनल रिलीफ निकालना है, टैक्स निकालना है आपको, सॉल्यूशन आपको विथ फॉर्मेट भेजना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख है जिसके अंदर 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है तो सर दिमाग में आएगा रिबेट। एक तो हमेशा ध्यान रखना 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो है रिबेट के कारण, लेकिन अगर आपके पास स्पेशल रेट वाली इनकम हो तो जरूरी नहीं कि आपका टैक्स जीरो आए। ये बात हम लोग पहले 5 लाख रुपए वाली में देख चुके हैं कि अगर आपके पास नॉर्मल इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इनकम 5 लाख ही है तो जरूरी नहीं कि टैक्स जीरो आए। स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है तो फिर आपका रिबेट लेने के बाद टैक्स क्या आएगा, जीरो। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि हम सेक्शन 112A पे जब टैक्स निकालेंगे तो 1 लाख रुपया माइनस करेंगे, तो 3 लाख में से 1 लाख माइनस करके 10% का टैक्स 20,000। और क्या ध्यान रखना है, इस पे रिबेट नहीं लेंगे, लेकिन अपने पास दूसरी इनकम भी है 4 लाख, 4 लाख का टैक्स कितना है 5,000, आपको रिबेट 5,000 ही मिलेगा।
जबकि टैक्स बिफोर रिबेट कितना है? 25,000। सर 115 बीएसी में, 115 बीएसी में आप रिबेट कितना ले सकते हैं? 25,000 तक का ले सकते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है कि रिबेट 112A से रिलेटेड टैक्स में नहीं मिलता। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल प्रोविजंस में भी किए हुए हैं, तो वो एक तरह से रिवीजन हो गया। सर आप जब नॉर्मल प्रोविजन कर रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन कराया था कि, और इनफैक्ट आपको काफी सारे होमवर्क भी दे रखे हैं, आई डोंट नो आप होमवर्क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मुझे वो सॉल्यूशन भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, टास्क में पार्टिसिपेट करो। अरे सही गलत क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मेरे स्टूडेंट हो। और एक बात बताओ, अगर तुमसे आंसर सारे मैच ही हो जाए, तुम सब सही सही बना दो, तो तुम मेरे यहां फिर पढ़ने क्यों आओ? तुम खुद सेल्फ स्टडी ना कर लो, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस ना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम सीख रहे हो, गलती हो रही होने दो। तुम भेजो ना कि सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, आप गलती बताएं, ठीक है? मैं तुम्हें डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हिंट दूंगा वहां पे। अगर मान लो मैं डिस्करेज डिमोटिवेट करूंगा तो अगली बार टास्क मत कंप्लीट करना, मैं बोलूं कह रहे ये छोटा सा क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बना, क्या है तुम क्या ही स्टूडेंट है, तुमको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, कोर्स छोड़ देना चाहिए। ऐसे वैसे मैं कुछ कहूं तो तुम आगे मेरा कोई टास्क कंप्लीट मत करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, डिस्करेज नहीं करूंगा, तुम्हारी गलती तुम्हें बताऊंगा। और फिर से कह रहा हूं, अगर तुम सब कुछ सही सही बना लो तो तुम फिर मेरे पास पढ़ने ही क्यों आओ? हम सीखने आते हैं, गलती करेंगे सीखेंगे, बस वो आपको ध्यान रखना है। मुझे पता भी चल जाएगा तुमसे दो चार गलती हो रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। ये गलती हो रही है, मैं तुम्हें फिर हिंट दूंगा, मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा, तुम आगे वैसी गलती मत करना, ये फिर एग्जाम तक याद रहेगा। तो आप टास्क में पार्टिसिपेट करो। क्या करना है इसमें? 3 लाख रुपए पे टैक्स निकालना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, 1 लाख रुपया माइनस करने के बाद, और फिर उस पर रिबेट भी नहीं लेना है आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, गूगली समझ सकते हो इसको, एग्जाम नाइट में इस कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज करना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, आखिरी क्वेश्चन जिसमें हम लोग रिबेट और अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है, डिस्कस करते हैं। केस एन, टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए है, जिसके अंदर 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है? 270। तो आपके पास नॉर्मल वाली इनकम कितनी है? 230, ठीक। तो सर अगर आप रेसिडेंट हैं, तो आप अगर रेसिडेंट हैं तो आपको रिबेट का बेनिफिट भी मिलेगा, एक, और दूसरा आपके पास नॉर्मल इनकम मात्र 2,30,000 है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। तो आपके पास अनएग्जॉस्टेड कितना बच गया? अनएग्जॉस्टेड 70,000, जिसको आप बड़े आराम से कैपिटल गेन से क्या कर सकते हैं? माइनस बिफोर अप्लाइंग 15%, यही क्लास में बताया हुआ है। सर अगर आपके पास स्पेशल रेट वाली इनकम भी है और अदर इनकम भी है, बट अदर इनकम 3 लाख से कम है, तो यहां पर टैक्स जीरो, और यहां से 70,000 रुपीज यहां एडजस्ट हो जाएगा बिफोर अप्लाइंग 15%, क्योंकि तुम रेसिडेंट हो। तुम कौन हो? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, क्लास में बताया हुआ है नॉर्मल प्रोविजन, वही कॉपी पेस्ट हो रहा है। सर जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है नॉर्मल प्रोविजंस में, वही यहां कॉपी पेस्ट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। और उसके बाद आप इसमें क्या कर लेंगे? 25,000 रुपए तक का रिबेट, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख और उससे कम है। सर 115 BAC 1A में जब आप टैक्स निकालते हैं तो रिबेट कितना ले सकते हैं? 25,000 रुपीज तक ले सकते हैं। इनकम आपकी 7 लाख और उससे कम है, आप रेसिडेंट हैं, ठीक। बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको पूरे 2,70,000 पे 15% देना होगा, 70,000 रुपए वाली कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी और न ही आपको यहां पे रिबेट मिलेगा, नहीं आपको यहां रिबेट मिलेगा। बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। सर 115 बीएसी के अंदर जितनी वैरायटी हो सकती थी टैक्स कंप्यूटेशन की, सब हमने कर ली। अगली क्लास में थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन है और थोड़ा डिस्कशन है कि इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे। 115 बीएसी में जाएंगे तो नॉर्मल प्रोविजन में कितना आंसर आएगा, 115 बीएसी में कितना आंसर आएगा। फिर एक क्वेश्चन में मैं तुमको तीनों इन्वॉल्व करूंगा, 115 बीएसी भी, नॉर्मल प्रोविजंस भी और एएमटी भी, अगली क्लास में, ठीक है।
तो अगली क्लास में मोटा मोटी मेरे हिसाब से 115 BSE कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों ने सरचार्ज रिलीफ, आपका रिबेट, स्पेशल रेट्स और स्लैब रेट सब कर लिया हमने, इतने सारे एग्जांपल्स आज की क्लास में कर लिए। ठीक, चलिए डन, वीडियो रोक के लिखा, ये तो लिख ही चुके थे वीडियो रोक के, नेक्स्ट डन, डन वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट डन, नेक्स्ट। सर आज जो भी पढ़ाया रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी टास्क जो भी पेंडिंग हो आज की क्लास में या पिछली 2-3 क्लास में कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले आज जो भी पढ़ाया रिवाइज कर लो, आज जो भी टास्क दिए और पुराने टास्क अगर कोई पेंडिंग है तो कंप्लीट कर लो। टास्क का रिप्लाई भेजते समय प्लीज मुझे जरूर बता देना, मुझे याद नहीं रहेगा, बता देना कि मैंने क्लास में सॉल्यूशन दिया था कि नहीं दिया था और आपका उससे मैच हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ फोटो आप भेज देंगे, सिर्फ PDF भेज देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, मैं आपका PDF, जनरली क्या होता है आप जो फोटोज भेजते हैं या जो आप PDF भेजेंगे मेरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप उसके आगे पीछे कोई मैसेज नहीं लिखेंगे तो मैं उस इमेज को या उस PDF को नहीं देखूंगा। प्रॉब्लम ये है, देखो आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, आप हेलो सर, हाय सर, आई हैव अ क्वेरी, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, सर आई नीडेड अ गाइडेंस ऑन सम पॉइंट, आप ऐसे जो फॉर्मल मैसेज भेजोगे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, प्लीज ध्यान रखना। सीधा आपके जो मन की बात है, आपको डाउट पूछना है, कोई परमिशन मत लो, सीधा डाउट पूछो, सर आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क, प्लीज ये सब अवॉइड करो। और सिर्फ फोटो PDF भेजोगे मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा आप कौन सी क्लास में कौन से टास्क में है, मैंने उसका सॉल्यूशन दिया कि नहीं दिया, आप वो फोटो PDF क्यों भेज रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा साथ में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरीके से टास्क पार्टिसिपेट करते हैं, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूं और आपको इनकरेज भी करता हूं। अब आपने कसम खा रखी है कि मुझे फैकल्टी से बात नहीं करनी है, मैं बाकी किसी फैकल्टी से बात नहीं करता तो मैं सूरज सर से क्यों बात करूं, तो मुझे नहीं लगता है बाकी कोई भी फैकल्टीज इतना कन्विंस करते होंगे आपको कि क्लास के टास्क को कंप्लीट करो और मेरे साथ कम्युनिकेट करो। जितना अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे, क्लास डिस्कशन, डाउट डिस्कशन, टास्क, आपको उतना ही फायदा होगा, ये गारंटी है। सर जो भी बच्चा मतलब पार्टिसिपेट करता है वो बच्चा मैंने कभी नहीं देखा है कि फेल किया हो। वो बच्चा एग्जाम शिफ्ट कर दे 6 महीना आगे कि सर मैं एक ग्रुप बाद में दूंगा, बोथ ग्रुप दूंगा, फेल किया हुआ बच्चा मतलब मेरे से वो कॉन्टिन्यूस टच में है, डाउट डिस्कशन कर रहा है, क्लास टास्क कंप्लीट कर रहा है, बीच बीच में मैं उसे गाइड कर रहा हूं और वो लड़का फेल हो जाए, मैंने अभी तक तो कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कसम ही खा रखे होते हैं हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, फिर कोई उपाय नहीं है, फिर तो भाई आपकी कॉल है, क्या आप स्मार्ट, इतने स्मार्ट हैं कि आप बिना किसी टीचर की गाइडेंस के सिर्फ क्लास क्लास से आप पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है, गुड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे हैं बस उसी में खुश हैं, चाहे वो फेस टू फेस क्लास में हो या लाइव क्लास में हो या रिकॉर्डेड बैच में हो, तो वो बच्चे बात ही नहीं करना चाहते हैं फैकल्टी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगली क्लास में।